Isso. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई विनोद रेड्डी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सी ए इंटरमीडिएट बूस्टर रिविजन लेक्चर नंबर 9 माई फ्रेंड्स. ओके, तो देखो बच्चों कैसे समय फटाफट फटाफट निकल जाता है. लेक्चर नंबर 9 तक पहुंच गए हम लोग. ओके, सो थोड़ा सा लेक्चर ले लेके मेरा आवाज में थोड़ा सा इशू है, बट ठीक है. आई होप आपको कोई इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 माय फ्रेंड्स. तो ये थे हमने प्रीवियस डे जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां तक के नोट्स. तो चलो मैं यहाँ पे लेक्चर 9 सी ए इंटर कॉस्टिंग बूस्टर रिविजन बैच. ओके, यहां पे मैं ये सब लिख रहा हूं लेक्चर नंबर 9, 8 क्योंकि विनोद रेड्डी बोल के एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने हैंड रिटन नोट जो मैं यहां पे आपको पढ़ाते पढ़ाते जो लिख रहा हूं वो भी वहां पे मैं शेयर कर देता हूं. तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 to 6 में जो लिखा था ऑलरेडी विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया है बच्चों. तो अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा. तो बाई चांस आपका कुछ कॉपी करना रह गया है एंड ऑल दोस थिंग्स, यू कैन गेट दैट ऑल्सो माई फ्रेंड्स. ओके, साथ साथ में राइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा कि एक हमने ग्रुप बनाया है एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस बूस्टर रिविजन बैच. तो वो ग्रुप भी आप ज्वाइन करो ताकि पीरियोडिक अपडेट्स जो भी है इसके बारे में, बूस्टर रिविजन के बारे में, और कुछ मैंने लेक्चर ऐड कर दिया, वट एवर इट इज, राइट, इट विल बी कम्युनिकेटेड ऑन दैट ग्रुप ऑल्सो माई फ्रेंड्स. तो चलो फिर, यस वेलकम स्वराली, दर्शन, दीपाली, मधु, यस प्रीति, आप बताओ बच्चों कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या एक बार बता दो ताकि वी कैन कंटिन्यू माय फ्रेंड्स. तो ये हम लेक्चर नंबर 9 में है, राइट. इसके पहले 8 लेक्चर्स में हमने बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किया था, कॉस्ट शीट कंप्लीट किया था, मटेरियल्स कंप्लीट किया था, एंड लेबर के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. ओके, मौसम बोल रहा है कि सर आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड द लाइव लेक्चर, यस प्रीवियस लेक्चर, यस बेटा मौसम, हमने तुम्हारी याद की तुम कहाँ हो करके. तो एक काम करो मौसम, अभी तुम अगर पुणे में हो यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट में बैठ के लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में 1 बजे मुझे यहाँ पे परसेप्ट के ऑफिस में आके मिलो, अपन कुछ बात करते आगे की. ठीक है, ठीक है बेटा मौसम,
यस 1 बजे मुझे यहाँ पे आके मिलो, अपन बात करेंगे। एनीवे चलो बच्चों, तो हम लोग अभी लेबर, ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट उसके एंड में थे, उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी है वो भी कंप्लीट करते, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। तो चलो बच्चों, वन मोर क्वेश्चन विल सॉल्व ऑन ग्रुप बोनस। अगर आप प्रीवियस डे का लास्ट राइट 5-10 मिनट देखेंगे तो उसपे भी मैंने ग्रुप बोनस का क्वेश्चन लिया हुआ था। तो टुडे विल स्टार्ट ऑल्सो विथ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन ग्रुप बोनस। तो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 21 ऑन ग्रुप बोनस। प्रॉब्लम नंबर 21 ऑन पेज 7। प्रॉब्लम नंबर 21 आप पढ़ लो बच्चों, पेज 7 ऑफ योर पीडीएफ पे मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड आपको अभी एज इफ ऐसे सोचना है कि ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है बच्चों, मैं सॉल्व करने वाला हूँ, सर कुछ तो बात करेंगे, टाइम पास करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐसा कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है, ठीक है? तो चलो प्रॉब्लम नंबर 21 आपको पढ़ना है बच्चों। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर्स ऑफ डिपार्टमेंट इन अ फैक्ट्री आर एंटाइटल्ड टू प्रोडक्शन बोनस। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर्स ऑफ डिपार्टमेंट इन अ फैक्ट्री आर एंटाइटल्ड फॉर प्रोडक्शन बोनस इन अकॉर्डेंस विद द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। इन अकॉर्डेंस विद द ग्रुप इंसेंटिव स्कीम द आउटलाइन ऑफ विच इज एज फॉलोज। तो कुछ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है, इसका क्या आउटलाइन है उन्होंने बोला है। फॉर एनी प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ, फॉर एनी प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेट फिक्स्ड। क्या स्टैंडर्ड रेट है? 16,800 टन पर मंथ ऑफ 28 डेज। अ जनरल इंसेंटिव ऑफ ₹15 पर टन इज पेड इन एग्रीगेट। जनरल इंसेंटिव ऑफ ₹15 पर टन इज पेड इन एग्रीगेट। द टोटल अमाउंट पेएबल टू ईच सेपरेट ग्रुप इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्ड परसेंटेज ऑफ सच एक्सेस प्रोडक्शन बींग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इट, नेमली 65% टू डायरेक्ट लेबर, 15% टू इंस्पेक्शन स्टाफ, 12% टू मेंटेनेंस स्टाफ, 8% टू सुपरवाइजरी स्टाफ। मोर एवर इफ एक्सेस प्रोडक्शन इज मोर देन 20% अबव स्टैंडर्ड, डायरेक्ट लेबर ऑल्सो गेट अ स्पेशल बोनस ऑफ ₹5 पर टन फॉर ऑल प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड। फॉर ऑल प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन स्टाफ इज पेनलाइज्ड एट अ रेट ऑफ ₹20 पर टन फॉर रिजेक्शन बाय कस्टमर इन एक्सेस ऑफ 2% ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, मेंटेनेंस स्टाफ इज पेनलाइज्ड एट द रेट ऑफ 20 पर आवर ऑफ ब्रेकडाउन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ वर्क आउट द नेट प्रोडक्शन बोनस अर्नड बाय ईच ग्रुप। Actual working days 25, production 21,000 tons, rejection by customer 500 tons, machine breakdown 40 hours. चलो बच्चों, मैं actually 2 minutes के लिए मैं wait करता हूँ, you have to read the question. अगर आप question नहीं पढ़ोगे तो there is no point in solving with me या continuing with me. आपको question पढ़ना है खुद. यस बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 21 प्लीज क्वेश्चन पढ़ो। एंड मैं सबको बता दूं, जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं, उन सबके लिए बता दूं बच्चों कि अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रॉपरली अटेंड करोगे तो मजा आएगा। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से हो कि मैं कुछ तो नाचूंगा गाऊंगा यहाँ पे, फील दूंगा आपको कि आपका रिविजन हो रहा है, बट एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, उस टाइप का बंदा मैं हूं नहीं बच्चों, ठीक है? तो प्लीज अपना जो एग्जाम रिजल्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी देन दैट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द टाइम बीइंग। गेटिंग दिस? तो प्लीज मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बैच को सीरियसली लेना, सिंसियरली लेना। प्रॉब्लम नंबर 21 आप पढ़ रहे हो बच्चों अभी।
यस करना सॉल्व, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर्स आर इंटाइटल फॉर प्रोडक्शन बोनस, ऐसे बोला है। कौन सा ग्रुप में कौन कौन है? डायरेक्ट लेबर है, फिर इंस्पेक्शन स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, सुपरवाइजरी स्टाफ है बच्चों, यस और नो? ओके तो चलो पहले तो हम फाइंड करते हैं कि राइट वेदर प्रोडक्शन इज इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड और नॉट। समझ में आ रहा है आपको ये? तो चलो बताओ एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है बच्चों? एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट डाउन, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ, टेल मी वेदर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 21,000 टन्स, वेदर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 21,000 टन्स। ओके स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज इक्वल टू, अब सुनो यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, याद रखो बच्चों जब भी हम स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड करते हैं इट इज ऑलवेज इन एक्चुअल टाइम, इट इज ऑलवेज इन एक्चुअल टाइम, एक्चुअल में जितना काम किया है उसमें कितने यूनिट्स बनने चाहिए, जितना टाइम वर्कर ने काम किया है उसमें कितने यूनिट्स बनने चाहिए। तो आप बताओ बच्चों उन्होंने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था? 16,800 टन्स ये स्टैंडर्ड सेट किया था, बट 28 डेज के लिए सेट किया था ये, तो डिवाइडेड बाय 28 करूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे? स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 डे मिलेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 डे मिलेगा, बट यहां पे तो एक्चुअल में 25 डेज ही काम हुआ है बच्चों, 25 डेज ही काम हुआ है, तो 16,800 डिवाइड बाय 28 इंटू 25 इज 15,000 टन्स, मतलब जितना काम हुआ है उसमें उसमें 15,000 टन प्रोड्यूस होना ही एक्सपेक्टेड था जबकि प्रोडक्शन 21,000 हुआ है। देयरफॉर हाँ बोलो एक्सेस प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड, यस प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 21,000 माइनस 15,000 दैट इज 6,000 टन्स, 6,000 टन्स इज द प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड इज 6,000 टन्स माय फ्रेंड्स, यस और नो? प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड इज 6,000 टन्स, इतना तो पता चल गया अपने को। और क्या बोला है उन्होंने? हाउएवर इफ एक्सेस प्रोडक्शन इज मोर देन 20% ऑफ अबोव स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर ऑल्सो गेट्स अ स्पेशल बोनस, डायरेक्ट लेबर गेट्स अ स्पेशल बोनस ऑफ 5 रुपीज पर टन। ओके तो चलो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल बोनस पेएबल कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल बोनस पेएबल, कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल बोनस पेएबल टू डायरेक्ट लेबर, स्पेशल बोनस पेएबल टू डायरेक्ट लेबर ऐसा स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने। यस बोलो बच्चों कितना बोनस है स्पेशल बोनस? इट इज 5 रुपीज पर टन, तो ₹5 पर टन, बट कितने टन्स पे? जितना प्रोडक्शन 120% ऑफ स्टैंडर्ड से एक्सेस में है, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना है बच्चों? 21,000 टन्स हुआ है, करेक्ट है, माइनस 15,000 ये स्टैंडर्ड है का 120%, 20% अबव स्टैंडर्ड मतलब 120%, 20% अबव स्टैंडर्ड, तो 15,000 प्लस 21 कितना था? 18,000, एंड 18,000 के ऊपर जितना हुआ है उस पे आपको ₹5 पर टन से मिलने वाला है, ₹5 पर टन से इंसेंटिव मिलने वाला है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, स्पेशल बोनस ऑफ ₹5 पर टन फॉर द प्रोडक्शन विच इज इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड, विच इज इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड कितना है? 15,000 का 120%, उसके ऊपर कितना प्रोडक्शन हुआ है उस पे ₹5 पर टन आपको बोनस है, तो ₹5 पर टन इंटू 21,000 टन्स ये एक्चुअल में हुआ है, एंड 120% ऑफ स्टैंडर्ड मतलब 18,000 होता है ये, करेक्ट है, तो 3,000 इंटू 5, टेल मी माई फ्रेंड्स इज इट 15,000, इज इट 15,000? चलो बच्चों यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है क्या? आप मुझे प्लीज बता दो, यस यहां तक आपको समझा है क्या? प्लीज बता दो बच्चों, और आपको लगता है क्या मैंने सही कैलकुलेशन किया है? यस सही कैलकुलेशन किया है, आपको लगता है क्या? प्लीज बता दो बच्चों, यस प्रॉब्लम नंबर 21 ऑन पेज नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 21
ऑन पेज 7, यहां तक करेक्ट है? चलो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का बच्चों। यस मौसम, सोराली, प्रीति, मधु, दर्शन, दीपाली, फटाफट आंसर दो। कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल बोनस पेएबल टू डायरेक्ट लेबर। स्पेशल बोनस पेएबल 15,000 है क्या? ओके। प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड 6,000 टन्स है क्या? गुड। चलो यहां तक अगर है तो वी विल गो टू द मेन आंसर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट, क्या फाइंड करना है? प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय ईच ऑफ द ग्रुप। राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय ईच ग्रुप। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय ईच ग्रुप। पर्टिकुलर्स, यस, क्या क्या लिखेंगे उसमें? पर्टिकुलर्स, नेट प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय ईच ग्रुप। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय ईच ग्रुप। यस पर्टिकुलर्स, उसके बाद में कौन से ग्रुप ऑफ वर्कर्स है? पहला डायरेक्ट लेबर, यस बच्चों डायरेक्ट लेबर, देन उसके बाद कौन कौन है? डायरेक्ट लेबर के बाद में इंस्पेक्शन स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, इंस्पेक्शन स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, देन सुपरवाइजरी स्टाफ, सुपरवाइजरी स्टाफ, टोटल चलेगा? हर एक ग्रुप को कितना प्रोडक्शन बोनस पेएबल है वो हमें कैलकुलेट करना है। कितना प्रोडक्शन बोनस हर एक ग्रुप अर्न करने वाला है वो अपने को फाइंड करना है बच्चों। यस चलो बोलो फिर अभी। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय ईच ऑफ द ग्रुप। नेट प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय ईच ऑफ द ग्रुप। चलो बोलो बच्चों। पहला ए, जनरल इंसेंटिव, जनरल इंसेंटिव, यस कितना है जनरल इंसेंटिव? एट अ रेट ऑफ 15 रुपीज पर टन, एट अ रेट ऑफ 15 पर टन, 15 रुपीज पर टन टोटल अमाउंट पेएबल, 15 रुपीज पर टन किस पे पेएबल है ये बोलो? वॉट एवर इज द प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड, वॉट एवर द प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड से एक्सेस में प्रोडक्शन कितना है बच्चों? 6,000 टन्स इंटू 15 रुपीज पर टन। तो टेल मी माई फ्रेंड्स वेदर टोटल पेएबल फॉर दिस इज 90,000 रुपीज। ऑब्वियसली ये सब रुपीज में रहने वाला है, मैं इधर लिख देता हूं ऊपर रुपीज 90,000। अच्छा बट 90,000 का क्या ब्रेकअप है? 90,000 का 65% डायरेक्ट लेबर को मिलने वाला है, 90,000 का 65%, 15% टू इंस्पेक्शन स्टाफ, 90,000 का 15% टू इंस्पेक्शन स्टाफ, 12% टू मेंटेनेंस स्टाफ, 90,000 का 12% टू मेंटेनेंस स्टाफ एंड 8% टू सुपरवाइजरी स्टाफ, 90,000 का 8% टू सुपरवाइजरी स्टाफ। तो चलो करो 90,000 इंटू 0.65, टेल मी इज इट 58,500? 58,500, 90,000 का 15% इज इट 13,500, 90,000 का 12% इज 10,800 एंड 90,000 का 8% इज इट 7,200? 7,200, यस बच्चों ये हो गया जनरल इंसेंटिव पेएबल। अब बताओ बच्चों स्पेशल बोनस पेएबल, स्पेशल बोनस पेएबल ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 15,000 रुपीज, 15,000 एंड उन्होंने क्लियरली बोला है कि इट इज पेएबल ओनली टू द डायरेक्ट लेबर। आपको लग रहा है कि सर कहाँ दिया है? पढ़ो क्वेश्चन। स्पेशल बोनस पेएबल, स्पेशल बोनस पेएबल टू डायरेक्ट लेबर 15,000 क्लियरली बोल रहा है। चलो मैं पढ़ता हूँ। मोर एवर इफ द एक्सेस प्रोडक्शन इज मोर देन 20% अबव स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर ऑल्सो गेट्स अ स्पेशल बोनस एट अ रेट ऑफ ₹5 पर टन फॉर ऑल प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड, फॉर ऑल प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ 120% ऑफ स्टैंडर्ड। हो चुका है। इंस्पेक्शन स्टाफ इज पेनलाइज्ड ओके एट अ रेट ऑफ ₹20 पर टन फॉर रिजेक्शन इन एक्सेस ऑफ
2% फॉर रिजेक्शन इन एक्सेस ऑफ 2%। तो एक काम करता हूं, चलो मैं इसका फोर्थ वर्किंग बनाता हूं यहां पे मैं, पेनल्टी टू इंस्पेक्शन स्टाफ, पेनल्टी टू इंस्पेक्शन स्टाफ। इंस्पेक्शन स्टाफ को कितना पेनल्टी लगने वाला है वो हम बात करेंगे। पेनल्टी टू इंस्पेक्शन स्टाफ, हाँ बोलो कितना पेनल्टी है टू इंस्पेक्शन स्टाफ। इज पेनलाइज्ड एट अ रेट ऑफ ₹20 पर टन फॉर रिजेक्शन इन एक्सेस ऑफ 2%, फॉर रिजेक्शन इन एक्सेस ऑफ 2%। तो आप बताओ, रिजेक्शन इन एक्सेस ऑफ 2%, रिजेक्शन इन एक्सेस ऑफ 2%, ओके ऑब्वियसली इन टन्स करेक्ट है बच्चों का, ₹20 पर टन इंटू ₹20। तो आप बोलो ₹20 पर टन इंटू, टेल मी व्हाट इज द टोटल रिजेक्शन, 500 टन्स, 500 टन्स रिजेक्शन है। एंड 2% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 21,000। तो 2% अलाउड है, तो 21,000 का 2%, 21,000 का 2% 420 होता है। तो ऑब्वियसली ₹20 पर टन इंटू 500 माइनस 420, 80 टन्स। तो 80 टन्स इज द रिजेक्शन इन एक्सेस ऑफ 2%, इन एक्सेस ऑफ 2%। तो 80 इंटू ₹20, टेल मी इज इट ₹1,600, इज इट ₹1,600। तो दिस इज पेनल्टी, पेनल्टी टू इंस्पेक्शन स्टाफ ₹1,600। तो पेनल्टी लग गया इंस्पेक्शन स्टाफ को, यस और नो। मेंटेनर स्टाफ इज ऑल्सो पेनलाइज फॉर ₹20 पर ब्रेकडाउन आवर एंड कुछ अलाउड कुछ भी नहीं है। तो टेल मी 40 आवर्स, 40 आवर्स इंटू रुपीज, इंटू कितना पेनल्टी है बोलो, ₹20 पर आवर, तो इंटू 20, तो ₹800 पेनल्टी लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, सो 2,400 का टोटल पेनल्टी है बच्चों, यस और नो। कुछ गया दिमाग में, यस और नो? तो आप बताओ बच्चों, नेट प्रोडक्शन बोनस पेबल, नेट प्रोडक्शन बोनस ओन्ड बाय द ग्रुप, नेट प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय द ग्रुप। बताओ अभी नेट प्रोडक्शन बोनस अर्न्ड बाय द ग्रुप कितना है, इज इट 58,500 प्लस 15,000, टेल मी इज इट 73,500, देन 13,500 माइनस 1,600, टेल मी इज इट 11,900, देन दिस इज 10,000, दिस इज 7,200। टोटल करो, 7,200 प्लस 10,000 प्लस 11,900 प्लस 73,500, टेल मी वेदर इट इज 1,02,600, इज इट 1,02,600, यस बच्चों यहां तक करेक्ट है क्या, आप प्लीज मुझे बता दो, यस प्लीज मुझे बता दो, टोटल बोनस अर्न 1,02,600 है क्या? अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह किया रहेगा बाय चांस तो वो भी बता दो बच्चों प्लीज, पॉसिबल है कि मैंने कोई मिस्टेक किया है, कुछ भी रहा तो आप मुझे बता दो बच्चों प्लीज। यस बच्चों, कोई भी अगर मेरा मेरे साइड से मिस्टेक रहा, कुछ इश्यू रहा तो बता दो आप मुझे प्लीज कमेंट में। हो गया बच्चों ये करेक्ट है, सर बोल रहे करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड माय फ्रेंड्स। तो चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेबर पे अभी। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 95 ऑन पेज 36 माय फ्रेंड्स, प्रॉब्लम नंबर 95, प्रॉब्लम नंबर 95 ऑन पेज 36 ऑफ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइडेड टू यू, प्रॉब्लम नंबर 95 पेज 36 पढ़ो बच्चों आराम से अपने को। ये देखो 60 आवर्स का रिवीजन है, मतलब हम कुछ गड़बड़ गड़बड़ का खाना नहीं खा रहे, इनडाइजेशन होगा ना फिर, है कि नहीं? बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं मेरे भाई। देखो बच्चों हम देखते देखते फोर्थ चैप्टर पे आए, है कि नहीं? कितना आज 9th तो लेक्चर है, 25 26 लेक्चर्स, 27 लेक्चर्स पकड़ो, उसमें तो हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। चलो स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज
ATR। चलो यहां तक सब लोगों का क्लियर है, आप लोगों ने लिखा, ऐसे ही मैं मानता हूं। एंड अभी प्रॉब्लम नंबर 95 हम सब लोग पढ़ेंगे बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 95, यस ऑन पेज 36। प्रॉब्लम नंबर 95 ऑन पेज 36। चलो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 95 पढ़ो। स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 80 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम इज 80 आवर्स। आर्ली रेट ऑफ गारंटेड वेज इज 100 रुपीज पर आवर। आर्ली रेट ऑफ गारंटेड वेजेस इज 100 रुपीज पर आवर। बिकॉज ऑफ सेविंग इन टाइम, बिकॉज ऑफ सेविंग इन टाइम, मिस्टर ए गेट्स आर्ली रेट ऑफ टोटल वेज ऑफ ₹125 पर आवर। तो उसका इफेक्टिव वेज रेट 125 पर आवर है अंडर रॉवन स्कीम। अंडर रॉवन स्कीम उसका इफेक्टिव वेज रेट 125 है। फॉर द सेम सेविंग इन टाइम कैलकुलेट आर्ली रेट ऑफ वेजेस अंडर हेल्सी स्कीम। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों हमने, करेंगे फिर हम लोग सॉल्व। यस स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 80 आवर्स। आर्ली गारंटेड वेज बेसिक वेज रेट 100 रुपीज पर आवर है एंड इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर रॉवन स्कीम 125 है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमें टाइम टेकन या टाइम सेव्ड पता है ही नहीं, तो क्या करेंगे? यस तो क्या करेंगे, तो अज्यूम कर लेते। तो राइट डाउन लेट टाइम टेकन बाय वर्कर टू कंप्लीट दी जॉब, टू कंप्लीट दी जॉब बी एक्स आवर्स। लेट टाइम टेकन बाय वर्कर टू कंप्लीट दी जॉब बी एक्स आवर्स। एक्स आवर्स इज द टाइम टेकन, ध्यान दे रहे बच्चों, टाइम टेकन बाय द वर्कर टू कंप्लीट द जॉब बी एक्स आवर्स। देयरफॉर ओके टाइम सेव्ड इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। एंड ऑब्वियसली टाइम अलाउड मतलब ही स्टैंडर्ड टाइम। तो कितना है बच्चों स्टैंडर्ड टाइम? 80 आवर्स माइनस टाइम टेकन इज हाउ मच? एक्स आवर्स। तो 80 माइनस एक्स आवर्स इज टाइम सेव्ड, 80 माइनस एक्स आवर्स इज टाइम सेव्ड माय फ्रेंड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टाइम सेव्ड पता चल गया। और क्या दिया है अपने को क्वेश्चन में? बेसिक वेज रेट दिया हुआ है। बेसिक वेज रेट इज इक्वल टू कितना है बच्चों? ₹100 पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको बेसिक वेज रेट। एंड और क्या दिया है? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर रॉवन स्कीम, अंडर रॉवन्स स्कीम ये दिया हुआ है आपको। एंड दैट इज ₹125, दैट इज ₹125। इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर रॉवन स्कीम ये आपको दिया हुआ है बच्चों, दैट इज 125 पर आवर। तो बोलो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर रॉवन स्कीम मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल वेजेस अंडर रॉवन स्कीम डिवाइड बाय आवर्स वर्क। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, टोटल वेजेस एज पर रॉवन स्कीम, टोटल वेजेस एज पर रॉवन स्कीम डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क, डिवाइड बाय आवर्स वर्क इज इक्वल टू 125, इज इक्वल टू 125। ओके तो टोटल वेजेस एज पर रॉवन स्कीम का फॉर्मूला बता दो अभी, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? आर्स वर्क इनटू रेट पर आर प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय आर्स वर्क कितना है? एक्स है इज इक्वल टू 125, इज इक्वल टू 125 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो बोलो बच्चों फिर आर्स वर्क कितना है? एक्स इंटू बेसिक वेज रेट पर आर 100, 100 एक्स प्लस टाइम सेव्ड इज 80 माइनस एक्स, टाइम अलाउड इज 80, बेसिक वेजेस मतलब फर्स्ट ब्रैकेट 100 एक्स इज इक्वल टू ये एक्स को उधर भेज दो इज 125 एक्स, इज इक्वल टू 125 एक्स। करो कैलकुलेशन बच्चों अभी। यस तो 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 एक्स इज इक्वल टू 120 एक्स माइनस 100 एक्स दैट इज 25 एक्स, दैट इज 25 एक्स। टेल मी देन
80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 25x डिवाइडेड बाय 100x, दैट्स व्हाई 25 डिवाइडेड बाय 100 एक्स एक्स कैंसिल हुआ, ऐसे समझो आप, यस और नो? देयरफॉर 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 बाय 100 इंटू 80 इंटू 80, तो 25 बाय 100 इंटू 80 का आंसर इज 20। देयरफॉर 80 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 60 आवर्स, एक्स इज इक्वल टू 60 आवर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द कैलकुलेशन पार्ट माय फ्रेंड्स। देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट दी जॉब इज इक्वल टू 60 आवर्स एंड टाइम सेव्ड इज इक्वल टू, बोलो बच्चों टाइम सेव्ड कितना होगा? 80 माइनस एक्स आवर्स इज इट इक्वल टू 80 माइनस 60 आवर्स, दैट इज 20 आवर्स, दैट इज 20 आवर्स, टाइम सेव्ड इज 20 आवर्स, टाइम सेव्ड इज 20 आवर्स, टाइम सेव्ड इज 20 आवर्स माय फ्रेंड्स। टाइम सेव्ड इज 20 आवर्स, यहां तक पहुंचे? और अब हमें फाइंड करना है यहां पे इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर रॉवन्स, सॉरी अंडर हेल्सी स्कीम। तो ये देखो, ये फर्स्ट वर्किंग ने में हमने एटलीस्ट टाइम सेव्ड तक कैलकुलेट कर लिया बच्चों, यस और नो? यस बच्चों 60 आवर्स, यस वेरी गुड, एक्स इज 60 आवर्स। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्सी स्कीम। तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्सेज स्कीम, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्सेज स्कीम, ओके? इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्सेज स्कीम फाइंड करना है बच्चों, इज इक्वल टू टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज स्कीम डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क्ड। टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज स्कीम डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क, तो टोटल वेजेस क्या होता है फॉर्मूला हेल्सी स्कीम से? आवर्स वर्क्ड इंटू रेट पर आवर, आवर्स वर्क्ड इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क्ड, डिवाइड बाय आवर्स वर्क्ड, यस आवर्स वर्क कितना है बच्चों? 60 आवर्स इंटू रेट पर आवर 100 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है? 20 आवर्स इंटू रेट पर आवर 100, ये टोटल वेजेस है, डिवाइड बाय आवर्स वर्क कितना है? 60 आवर्स, यस। तो इज इट 6000 रुपीज बेसिक वेजेस प्लस 1000 इंसेंटिव डिवाइडेड बाय 60 आवर्स, तो टेल मी इज इट 7000 डिवाइड बाय 60 वेदर आंसर इज 116.666666666 इज द इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर 116 टू थर्ड, ऐसे बोल सकते लगे तो 116 टू थर्ड इज द इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्सी स्कीम, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्सी स्कीम 116.666666 माय फ्रेंड्स, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर अंडर हेल्सी स्कीम। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस माय फ्रेंड्स। यस, गया दिमाग में कुछ? पक्का
पक्का गया है दिमाग में कुछ? चलो बच्चों फिर प्लीज रीड नाउ प्रॉब्लम नंबर 102 ऑन पेज 38। प्रॉब्लम नंबर 102 ऑन पेज 38। अभी आपको ये प्रॉब्लम नंबर 102 पढ़ना है बच्चों, ऑन पेज 38। यस बच्चों, कैलकुलेट एम्प्लॉय आवर रेट ओके ऑफ वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एम्प्लॉय आवर रेट ओके। चलो सब लोग यहां तक आ गए क्या बच्चों? यस मधु, मौसम, सेलिना, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है क्या सबका? प्रॉब्लम नंबर 95, ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया सबका। नाउ प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 102 ऑन पेज 38। ऑन पेज 38 कैलकुलेट एम्प्लॉय आवर रेट ऑफ वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एम्प्लॉय आवर रेट ऑफ वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेसिक पे दिया हुआ है, डीए, डीए इज डियरनेस अलाउंस, फ्रिंज बेनिफिट्स, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300, 20 डेज आर अवेल्ड ऑफ एज हॉलीडेज ऑन अ फुल ईयर बेसिस ओके। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300, 20 डेज आर अवेल्ड एज ऑफ एज हॉलीडेज ऑन फुल पे इन अ ईयर ओके। एज्यूम अ डे ऑफ 8 आवर्स, एज्यूम अ डे ऑफ 8 आवर्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चे। यस करना है सॉल्व। चलो बताओ, आप ही बताओ मुझे आंसर क्या रहने वाला है। मतलब वर्कर जब 1 घंटे के लिए काम करता है तो कंपनी के लिए उसका कितना कॉस्ट लग रहा है। इन शॉर्ट आपको यही फाइंड करना है, वर्कर जब 1 घंटा काम करता है तो कंपनी के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है पर आवर। कंपनी के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है पर आवर। यस यही अपने को कैलकुलेट करना है बच्चों। यस क्या कैलकुलेट करना है? एम्प्लॉय आवर रेट या वेज रेट पर आवर फॉर द एम्प्लॉय। राइट ऑन देन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉई आवर रेट, एम्प्लॉई आवर रेट दैट इज इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर फॉर वर्कर एक्स। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉई आवर रेट दैट इज इफेक्टिव वेज रेट पर आवर फॉर वर्कर एक्स, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर फॉर वर्कर एक्स। तो चलो राइट डाउन, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट माई फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय आवर रेट दैट इज इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर फॉर वर्कर एक्स, फॉर वर्कर एक्स। चलो बोलो, ए बेसिक पे पर मंथ, अब हम पर मंथ भी कैलकुलेट कर सकते, पहले कितना है 10,000, जो भी टोटल आता है उसको एक ही बार 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। बी बी डी ए ऑब्वियसली डियरनेस अलाउंस पर मंथ ही है ये भी, पर मंथ डी ए पर मंथ। टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 3,000? डी ए पर मंथ इज इट 3,000? देन फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स पर मंथ, टेल मी इज इट रुपीज 1,000? तो टेल मी माय फ्रेंड्स, टोटल वेजेस पर मंथ या टोटल कॉस्ट टू द कंपनी, टोटल कॉस्ट टू द कंपनी, टोटल कॉस्ट
टू द कंपनी पर मंथ। वर्कर के हाथ में इतना पैसा नहीं आता रहेगा, बट कंपनी तो इतना स्पेंड कर रहा है ना बच्चों, यस और नो? कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, 14,000। देयरफॉर टोटल कॉस्ट टू द कंपनी पर एनम, टोटल कॉस्ट टू द कंपनी पर एनम, टेल मी इज इट डी इंटू 12? तो 14,000 इंटू 12, टेल मी इज इट 1,68,000? यस, वेरी गुड मौसम, 1,68,000 टोटल कॉस्ट टू द कंपनी। एफ, अब क्या फाइंड करेंगे? इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फॉर द ईयर, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फॉर द ईयर। तो चलो बोलो बच्चों, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फॉर द ईयर कितने हैं? वर्किंग आवर्स फॉर द ईयर कितना है? तो इट इज 300 days इंटू 300 days माइनस 20 days। अब बोलो ऐसे माइनस क्यों किया? क्योंकि 20 days वो काम नहीं करता है, बट पूरा पैसा तो फुल ले लेता है उसमें। ये पेड लीव्स है एज गुड एज, करेक्ट और नॉट? इंटू 8 hours per day, इंटू 8 hours per day, तो 280 into 8, टेल मी इज इट 2,240 hours? तो क्या ना है, से हम वर्कर को पेमेंट कर रहे हैं टोटल साल भर का पेमेंट, मतलब उसके भी आप पे इतना कॉस्ट इनकर हो रहा है 1,68,000, एंड ही वर्क्स फॉर 2,240 hours। ही वर्क्स फॉर तो 2,240 hours, तो आपको क्या करना है बोलो? एम्प्लॉई आवर रेट, एम्प्लॉई आवर रेट इज इक्वल टू, टेल माई फ्रेंड्स इज इट ई डिवाइडेड बाय एफ, ई डिवाइड बाय एफ, एंड टेल मी इज इट रुपीज 75? मतलब ये वर्कर एक्स, ये वर्कर एक्स जो भी जॉब पे काम करेगा उस जॉब के कॉस्ट शीट में हम लोग ₹75 पर आवर डाल सकते हैं। ये वर्कर एक्स जो भी जॉब के कॉस्ट शीट में काम करेगा, जो भी जॉब के कॉस्ट शीट में काम करेगा, जो भी जॉब पे काम करेगा उस कॉस्ट शीट पे, राइट, हम लोग ₹75 पर आवर से कॉस्ट डाल सकते हैं बच्चों, करेक्ट है? एंड अब बताओ ये 20 days का जो है बच्चों, इट इज एज्यूम दैट दिस इज लाइक अ नॉर्मल काइंड ऑफ लॉस इटसेल्फ। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, जो बचे हुए 2,240 hours है उसका वेज रेट इन्फ्लेट हुआ। अच्छा मुझे बताओ, 2,240 की जगह डिवाइड बाय 2,400 होता तो वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कम हो जाता। तो कहना है से बिकॉज आई हैव डिवाइडेड बाय 2,240 इंस्टेड ऑफ 2,400, वेज रेट पर आवर गॉट इन्फ्लेटेड, एंड इसकी वजह से हर जॉब का कॉस्ट भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। दैट मीन्स नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल आइडल टाइम, राइट, विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट वेजेस पेड फॉर नॉर्मल आइडल टाइम, वेजेस पेड फॉर नॉर्मल आइडल टाइम आर ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइदर बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट पर आर और बाय इंक्लूडिंग देम इनटू फैक्ट्री ओवरहेड्स, और बाय इंक्लूडिंग देम इनटू फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेयर एज कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माई फ्रेंड्स आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, यहां तक सबको समझा क्या बच्चों? बता दो प्लीज, यहां तक सबको समझा क्या? पक्का अगर यहां तक क्लैरिटी है बच्चों, तो एटलीस्ट इस स्टडी मटेरियल में, इस पीडीएफ में मैंने जो दिए थे आपको नोट्स, उसमें से लेबर इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक वी हैव सॉल्व एवरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक। एंड एंड में भी आप देखोगे तो बहुत सारे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 95 से 102 भी हम सब सॉल्व कर चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों अभी तक, यस और नो? यस और नो? और भी नो डाउट, ये पीडीएफ में दिए हुए सारे क्वेश्चन ही हम सॉल्व करने वाले, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाले, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, करेक्ट है? तो आप बताओ लेबर रिलेटेड सब कुछ आपको समझा क्या?
डायरेक्ट लेबर के रिलेटेड सब कुछ, एवरीथिंग, वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। पक्का बच्चों? ओके, तो चलो एक काम करते, बहुत बेसिक टाइप के थियरी क्वेश्चंस बच्चों, एटलीस्ट हमें पॉइंट याद रहना चाहिए, इसलिए मैं उतना तो आपको लिख के देता हूं। मैं कोई एक्सप्लेनेशन इस पे दूंगा नहीं। आप बोलोगे नहीं सर एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, ये बूस्टर रिवीजन में कहां एक्सप्लेन करते बैठूंगा भाई भाई, मैं सब कुछ ये आप समझ रहे, इनफैक्ट ये आप सब जानते हो, आपको लिखते होती समझेगा, बट आप ये लिखना बहुत जरूरी है। यस बच्चों, तो राइट डाउन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ थियरी क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप नोटबुक में लिखो बच्चों, एंड प्लीज थोड़ा सा लेजीनेस बच्चों मत करो ये, राइट, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं होता तो मैं लिख के नहीं देता, मैं खुद टाइम स्पेंड नहीं करता यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट टू कंट्रोल फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल में रखना चाहता है, अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करता है, तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कितने वर्कर्स हमें चाहिए रहते हैं, कौन वर्कर्स चाहिए रहते हैं, कितने स्किल्ड वर्कर्स चाहिए रहते हैं, यस और नो। ओके, दर्शन जोशी बोल रहा है कि सर लेबर में वो एक पॉइंट रिलेटेड टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो ना। ठीक है बेटा दर्शन, एक काम करता हूं मैं एक एग्जाम्पल लूंगा उसका, अभी आज तो मेरे पास इमीडिएटली एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं पहले एग्जाम्पल का पीडीएफ आपको दे दूंगा एंड उसके बाद में वो सॉल्व करूंगा, एग्जाम्पल के साथ में वो बेटर रहेगा बच्चों। डोंट वरी, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ मतलब इसका मैं कोई क्वेश्चन आगे लूंगा ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपको जो पीडीएफ दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन रैंडम ही दिए हुए हैं, इनफैक्ट कॉस्ट शीट का एक आध क्वेश्चन बाकी है अभी तक, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो डोंट वरी दर्शन, ये जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग दिस बूस्टर रिविजन, वो तुम्हारे जो भी कंसेप्ट है राइट, तुम्हें लगता है कि इस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं डेफिनेटली दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर ओवर टाइम वर्किंग, कंट्रोल ओवर ओवर टाइम वर्किंग, ओवर टाइम वर्किंग पे भी कंट्रोल चाहिए, करेक्ट है बच्चों। टाइम एंड मोशन स्टडी करते हैं हम लोग, टाइम एंड मोशन स्टडी, जिसमें हम टाइम एंड मोशन स्टडी में क्या करते हैं, वर्कर के वो काम का वीडियो शूटिंग होता है, उसमें देखा जाता है कि कौन से मूवमेंट्स प्रोडक्टिव है, कौन से मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव है, तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स उनको बताए जाते हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स उनको बताए जाते हैं, एंड इन फ्यूचर दे कैन अवॉइड दोज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जिसको हम बोलते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी, करेक्ट है। देन मिनिमाइजेशन ऑफ लेबर टर्नओवर, मिनिमाइजेशन ऑफ लेबर टर्नओवर, वो डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, स्टेप्स दैट मैनेजमेंट कैन टेक टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर एंड ऑल, करेक्ट है। वेज इंसेंटिव स्कीम, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बच्चों, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ इंसेंटिव स्कीम चालू करते, करेक्ट है। देन जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग, जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग क्या करते हैं हम लोग, राइट पर्सन शुड बी अवेलेबल फॉर द राइट जॉब, करेक्ट है। मेरिट रेटिंग मतलब हम लोग वर्कर्स का राइट वर्थ देखते हैं, करेक्ट है, उसके हिसाब से उसको बोनस देते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, उसका सैलरी बढ़ाते हैं, क्या कर एग्जैक्टली जो भी है, मेरिट रेटिंग ऑफ द वर्कर्स किया जाता है, करेक्ट है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स राइट, दोज शुड बी कंसिडर्ड फॉर कंट्रोलिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट, फॉर कंट्रोलिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट, यस और नो, कुछ गया बच्चों दिमाग में, यस और नो। उसके बाद में आइडल टाइम हमने देखा था, आइडल टाइम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्मल आइडल टाइम, अबनॉर्मल आइडल टाइम, याद रहेगा आपको। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम राइट इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय आइदर इन्फ्लेटिंग द वेज रेट और बाय इंक्लूडिंग इट इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग पी एंड एल, विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग पी एंड एल। मेरे ख्याल से मैंने आपको ये लिख के भी दिया था, वापस एक बार बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइदर बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट और बाय इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेयर एज कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू राइट विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
आप समझ रहे बच्चों, यस और नो, ये लिखा आपने, ये लिखा या नहीं? ओके okay? उसके बाद में एक कंसेप्ट है ओवर टाइम का, कभी सुना है क्या बच्चों आपने ओवर टाइम? तो ओवर टाइम वेजेस मतलब क्या होता है? ओवर टाइम वेजेस मतलब नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल रेट से तो उसको दिया ही जाता है, प्लस ओवर टाइम प्रीमियम दिया जाता है कुछ, ओवर टाइम प्रीमियम। वैसे आपको पता ही है, बट समझो मेरे वर्किंग आवर्स है समझो 8 आवर्स पर डे, ओके। बट अगर समझो मैं 10 आवर्स काम करता हूँ बच्चों, तो 8 आवर्स का पेमेंट मुझे नॉर्मल रेट से होगा, और जो ऊपर के 2 आवर्स है हो सकता है कि उसका पेमेंट मुझे डबल रेट से होगा। तो समझो मुझे 8 आवर्स का पेमेंट 100 रुपीज पर आवर से होता है, तो ऊपर के 2 आवर्स का पेमेंट 200 रुपीज पर आवर से हो रहा है। दैट मीन्स आई एम गेटिंग प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज पर आवर, आई एम गेटिंग प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज पर आवर। तो जो भी तुम्हारे नॉर्मल वेज रेट से ऊपर के वेजेस, नॉर्मल वेज रेट के ऊपर जो भी आपको एडिशनल पेमेंट मिलता है, दैट इज द ओवर टाइम प्रीमियम, दैट इज द ओवर टाइम प्रीमियम माय फ्रेंड्स। तो ओवर टाइम वेजेस इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, ये छोटा सा कंसेप्ट बताने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लिखो बच्चों एग्जाम्पल, क्वेश्चन भी आप लिखो, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या करना है इसका। राइट डाउन, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ वीक, नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन अ वीक इज इक्वल टू 48 आवर्स, ओके। एक्चुअल वर्किंग आवर्स बाय वर्कर एक्स 59 आवर्स उसने काम किया। नॉर्मल वेज रेट इज ₹500 पर आवर, नॉर्मल वेज रेट है 500 पर आवर, एंड ओवर टाइम प्रीमियम इज 100% ऑफ नॉर्मल रेट। ओवर टाइम प्रीमियम इज 100% ऑफ नॉर्मल रेट। कैलक्युलेट टोटल वेजेस पेबल टू वर्कर एक्स फॉर द वीक। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस पेबल टू वर्कर एक्स फॉर द वीक। फॉर द वीक कितने वेजेस उसको पेबल है ये आपको बताना है मुझे। चलो बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ो तुम ठीक से, एंड आप ये आंसर बता दो मुझे। आई विल वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। आप मुझे बता दो कमेंट में व्हाट आर द टोटल वेजेस पेबल। बाद में बाय चांस जो लोग, जो स्टूडेंट्स इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, आपको लगता है कि सर हम कहाँ कमेंट करेंगे, तो तुम खुद सॉल्व करके कमेंट किया करो ना मेरे भाई, एंड उसके बाद में ही वीडियो चलाओ, तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तुरंत फॉरवर्ड मत किया करो। यस बोलो बच्चों, आप सब लोग ये सॉल्व कर रहे हो, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि टोटल वेजेस पेएबल टू वर्कर एक्स फॉर द वीक। यस बच्चों, चलो जो मैं सॉल्व करता हूं, टोटल वेजेस पेएबल टू वर्कर एक्स, टोटल वेजेस पेएबल टू वर्कर एक्स, आप मुझे बताओ ही हैज वर्क फॉर हाउ मेनी आवर्स? 59 आवर्स। 59 आवर्स का ₹500 पर आवर से तो पेमेंट होगा ही होगा, प्लस उसको क्या मिलेगा? ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा, प्लस ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा। बच्चों अच्छे से ध्यान दो यहां पे, तो 59 × 500, 29,500, इतना तो वेजेस मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ओवर टाइम आवर्स कितना है बच्चों? ओवर टाइम आवर्स कितना है? इनटू
ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर, ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर तो 29,500 ये तो मिलना ही मिलना है, प्लस ओवर टाइम आवर्स कितने हैं बच्चों, 59 माइनस 48 मतलब 11 आवर्स इंटू ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो 500 का 100% है, मतलब 500 रुपीज पर आवर है, तो इट इज 29,500 प्लस 11 आवर्स इंटू ₹500 पर आवर, यस बच्चों, तो इट इज 29,500 प्लस 11 इंटू 500 इज इट 5,500, टेल मी माई फ्रेंड्स वेदर टोटल वेजेस पेएबल आर 35,000, टोटल वेजेस पेएबल आर 35,000। अगर आपको कोई बोले कि हाउ मच इज द ओवर टाइम प्रीमियम पेएबल तो आंसर इज 5,500 माई फ्रेंड्स, हाउ मच इज द ओवर टाइम प्रीमियम पेएबल तो इसका आंसर है ओवर टाइम प्रीमियम पेएबल कितना है, अगर ये आपको जानना है तो ओवर टाइम प्रीमियम पेएबल इज 5,500, ओवर टाइम प्रीमियम पेएबल इज 5,500 माय फ्रेंड्स। अच्छा कैलकुलेशन करने का ये भी एक तरीका था, 48 आवर्स जो नॉर्मल था उसका पेमेंट 500 रुपीज से होने वाला था, यस, एंड जो 11 आवर्स का पेमेंट था वो 500 प्लस 500 से होगा, तो दिस इज एज गुड एज 24,000 प्लस 11,000 राइट इज इक्वल टू 35,000। कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते थे बट बच्चों इसमें ये 11,000 रुपीज जो है ना ये ओवर टाइम वेजेस है, वे ओवर टाइम वेजेस है जिसके अंदर ओवर टाइम प्रीमियम इज 5,500 ओनली, ओवर टाइम प्रीमियम इज 5,500, तो प्लीज अंडरस्टैंड 11,000 जो ओवर टाइम वेजेस थे दैट इंक्लूड्स 5,500 एज द नॉर्मल वेजेस ऑफ ओवर टाइम आवर्स प्लस 5,500 इज द ओवर टाइम प्रीमियम, 5,500 इज द ओवर टाइम प्रीमियम, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, यस और नो, कुछ जाता है बच्चों दिमाग में, ओवर टाइम प्रीमियम इज 5,500, प्लीज अंडरस्टैंड ओवर टाइम प्रीमियम इज नॉट 11,000, ओवर टाइम प्रीमियम इज नॉट 11,000, ओवर टाइम प्रीमियम इज 5,500, ओवर टाइम प्रीमियम इज 5,500 माय फ्रेंड्स, समझ आया आपको ये, ओवर टाइम प्रीमियम इज 5,500, ओके। एक थियरी क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल भी समझेगा, वो है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थियरी समझा प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक आएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसा थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ विल यू ट्रीट ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंट्स, हाउ विल यू ट्रीट ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसा आ सकता है, तो राइट डाउन ट्रीटमेंट फॉर ओवर टाइम प्रीमियम, ट्रीटमेंट फॉर ओवर टाइम प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन, इज डिपेंडेंट ऑन रीजन फॉर ओवर टाइम, इज डिपेंडेंट ऑन रीजन फॉर ओवर टाइम, तो रीजन फॉर ओवर टाइम वर्क, रीजन फॉर ओवर टाइम वर्क, रीजन फॉर ओवर टाइम वर्क क्या रहेगा और उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स, ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स, बहुत सिंपल है बच्चों, अगर ये थियरी समझा तो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकल समझेगा इसका, रीजन फॉर ओवर टाइम वर्क, रीजन फॉर ओवर टाइम वर्क, रीजन फॉर ओवर टाइम वर्क, ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो पहला इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन लेबर शॉर्टेज, इज बिकॉज ऑफ जेन्युइन लेबर शॉर्टेज, मतलब कई इंडस्ट्रीज में ना बच्चों, कई इंडस्ट्रीज में एक फीचर होता है कि हमेशा वहां पे शॉर्टेज ही होता है वर्कर्स का, होता है इन दैट केस, अब ये साल मतलब एज गुड एज वो तुम्हारा ओवर टाइम इज अ नॉर्मल फीचर, ओवर टाइम इज
नॉर्मल फीचर इन दैट केस ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय इंक्लूड बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट, बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट. समझ में आ रहा है आपको? मतलब ओवर टाइम प्रीमियम सीधा सीधा आपके पेमेंट में कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, डिवाइड बाय आवर्स करेंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम नॉर्मल वेज रेट विल गेट इन्फ्लेटेड, यस और नो? अच्छा, इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ सम कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. ओके, अच्छा एक एग्जांपल बताता हूं, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? ओके, अब समझो ये मैंने बैच डिक्लेयर कर दिया, फीस दे कर दिया, जो भी मेरा कॉस्ट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट करके मैं फीस डिसाइड करता रहूंगा ना मार्जिन ऐड करके. समझो अपना एक स्टूडेंट है मौसम लुंकड़. ओके, मौसम लुंकड़ वो बोल रहा है कि सर आप एक काम करो, मुझे ना स्पेसिफिकली आप मेरे घर पे आके पढ़ाओ. मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, घर पे आके पढ़ाता हूँ. तो मुझे ओवर टाइम करना पड़ा तो ऑब्वियसली मेरे चार्जेस भी तो उसको बेयर करना पड़ेगा ना फिर वो, यस और नो? आप मुझे बताओ, मैंने मौसम की वजह से जो ओवर टाइम किया उसको, उसकी वजह से जो कॉस्ट एडिशनल लगा मुझे प्रीमियम की वजह से वो भी मैंने ऐड कर दिया एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स कर दिया एंड फीस पर स्टूडेंट ही बढ़ा दिया. आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, आपने ओवर टाइम हमारे लिए थोड़ी किया था, वो तो स्पेसिफिक कस्टमर के लिए किया था, तो गलत हो रहा है ना यहाँ पे ट्रीटमेंट. तो इफ ओवर टाइम इज एट अ स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट, ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज्ड, ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज्ड टू दैट जॉब ओनली, टू दैट जॉब ओनली एंड सूट एंड रिकवर्ड फ्रॉम दैट कस्टमर ओनली, रिकवर्ड फ्रॉम दैट कस्टमर ओनली. मतलब वो जो कस्टमर है जो मौसम के लिए जो मैं काम कर रहा हूं उसी जॉब को ही मैं वो प्रीमियम डेबिट करूंगा एंड उसी से ये रिकवर होगा. यस और नो? जनरल जो तुम्हारा प्राइस है इट विल नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट ओवर टाइम प्रीमियम, राइट? ओवर टाइम काम करना पड़ा आपको बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट. ओके, इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ एनी अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, ओके, आपने कुछ इस्टिमेट नहीं किया था, राइट? सडन, राइट, कुछ डिमांड बढ़ गया बिकॉज ऑफ सम अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, देन ओवर टाइम प्रीमियम विल बी, ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, विल बी चार्ज्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स में गया मतलब वो अकॉर्डिंगली सारे जॉब पे अपॉर्शन हो जाएगा, सारे जॉब थोड़ा थोड़ा करके एब्सॉर्ब करेंगे. नेक्स्ट, जो आप ऑलरेडी जानते हो, इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ एनी अबनॉर्मल रीजन, मतलब समझो फैक्ट्री फ्लोर पे एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से समझो तुम्हारा प्रोडक्शन फ्लो डिस्टर्ब हुआ था, बट अब कस्टमर ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट करना है इसलिए ओवर टाइम करना पड़ रहा है, मशीन ब्रेकडाउन हुआ था, पावर फेलियर हुआ था अबनॉर्मल टाइप का, 4 दिन से लाइट ही नहीं था, ऐसा कोई रीजन रहा तो ओवर टाइम प्रीमियम विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल, ओवर टाइम प्रीमियम विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इफ ओवर टाइम इज बिकॉज ऑफ एनी फॉल्टी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट के फॉल्ट की वजह से हो रहा है, देन ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज टू दैट डिपार्टमेंट ओनली. इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको. ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज्ड टू दैट डिपार्टमेंट ओनली, इट विल बी चार्ज टू दैट डिपार्टमेंट ओनली माय फ्रेंड्स. यस, ये समझा के बताओ. मधु मोहन रेड्डी का डाउट है सर, लास्ट टाइम यू टेल सेम कंसेप्ट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं रहा बेटा. इन द लास्ट टाइम यू टेल सेम कंसेप्ट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, थोड़ा अगर डिटेल बताओगे तो मुझे और भी क्लैरिटी आएगा मधु मोहन रेड्डी. यस भाई, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंट्स, ये आपको समझा क्या? यस, एंड अभी बताओ आपके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कंपलसरी जो आपको करना है. ओके, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज स्टडी, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा यहाँ पे, ये बहुत बेसिक बेसिक थ्योरी क्वेश्चन है.
डिफरेंस बिटवीन जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग। आप यहां पे अभी नेक्स्ट चैप्टर में चालू करूंगा, उसके पहले आप एक दो पेजेस ब्लैंक छोड़िए, उसमें आप ये लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग, डिफरेंस बिटवीन कैजुअल वर्कर एंड आउट वर्कर, कैजुअल वर्कर एंड आउट वर्कर, ये आप पढ़ेंगे थ्योरी, समझ रहा है? बाकी थ्योरी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बच्चों, कैजुअल वर्कर एंड आउट वर्कर का डिफरेंस, जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग का डिफरेंस आप पढ़ लेना बच्चों। यस, जैसे मैंने बताया था आपको कि थ्योरी का कितना इंपॉर्टेंस है, इसका क्या है, मेजर हमारा पेपर प्रैक्टिकल होता है, करेक्ट है? आज ये बूस्टर रिवीजन बैच है, इसमें मैं इतना बता सकता हूँ। रेगुलर बैच होता तो व्हाट इज कैजुअल वर्कर, व्हाट इज आउट वर्कर, कम से कम आधा घंटा ये डिफरेंस लिख के देता मैं बच्चों, बट डेफिनेटली आप 5 मिनट भी स्पेंड करोगे आपके बुक पे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है? तो मेरे ख्याल से वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पीडीएफ एज फार एज लेबर इज कंसर्न। और कोई क्वेश्चन रहेगा तो बाद में भी हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर माई फ्रेंड्स? नेक्स्ट चैप्टर है अपना ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर माई फ्रेंड्स? ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए रेडी हो क्या? यस बच्चों, ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो चलो राइट डाउन प्लीज अपने बैच का चैप्टर नंबर 5 इन दिस बैच। कौन से चैप्टर हो गए? 4 पहले, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, 4 चैप्टर हो गए। चैप्टर नंबर 5 ओवरहेड्स एंड, ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार क्वेश्चंस इसके हम सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर आप लॉजिकली सीखोगे तो ये बहुत मजा आएगा। एंड ये चैप्टर मतलब जनरली इस पे 10-12 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, 12 मार्क का क्वेश्चन आता है, कई बार 8-8 मार्क के आए तो 8-8 मार्क के 2 क्वेश्चन भी पूछते कई बार इस पे, ठीक है बच्चों? तो ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स, तो बोलो भाई कमेंट में बता दो, नहीं तो बस पूरा रामायण हो गया और अपने को राम सीता ही मालूम नहीं है। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स, ओवरहेड कॉस्ट मतलब क्या? यस बोलो मेरे भाई, ओवरहेड कॉस्ट मतलब क्या? बोलो 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 बच्चों, ओवरहेड कॉस्ट मतलब क्या? तो ओवरहेड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। राइट डाउन, ओवरहेड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉमा इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? एज दीज कैनॉट बी कन्वीनियंटली चार्ज टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, एज these expenses cannot be conveniently or suitably charged to specific cost object or cost centers और प्रोडक्ट्स, ऐसा भी बोल सकते हो आप, यस और नो? इसलिए हमें इस चैप्टर में मेनली, हम इस चैप्टर में मेनली क्या करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग ओवरहेड्स इन डिटेल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग ओवरहेड कॉस्ट इन डिटेल, इतना हम क्यों करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? पहला, टू लिंक ओवरहेड कॉस्ट टू द आउटपुट,
टू लिंक टू द ओवरहेड कॉस्ट टू द आउटपुट। अब आप लोग ऐसा क्या करते हैं, ये लिंक करने के लिए क्या कर, आप मुझे बताओ बच्चों। समझो मैं ये पेन प्रोड्यूस करके भेजता हूं, अब बताओ बच्चों मेरे फैक्ट्री का जो वॉचमैन खड़ा है उसको जो सैलरी पेएबल है उसका भी कुछ पोर्शन यहाँ पे आना ही चाहिए। मेरे कंपनी के ये पेन जो बेचते हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है तो उसको जो पेमेंट हुआ है उसका भी कुछ पोर्शन यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया मार्केटिंग करते, टीवी पे करते, डिजिटल मार्केटिंग करते, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते, दुनिया भर का मार्केटिंग करते, आप समझ रहे हो क्या, उसका कुछ पोर्शन इस पेन के कॉस्ट में आना चाहिए, करेक्ट और नॉट। अच्छा ये पेन का प्राइम कॉस्ट फाइंड करना तो बहुत आसान है बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट आप मुझे बताओ ऐसे दुनिया भर के और खर्चे हैं राइट, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री के रिलेटेड है, सेल्स के रिलेटेड है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, मार्केटिंग के है, ये सब कॉस्ट ये पेन के कॉस्ट तक लाना पड़ेगा ना हमें, तो उसके लिए हम लोग स्टेप्स यूज करते हैं बच्चों, वो है शायद आपको याद आएगा, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, अलोकेशन, अपॉर्चुनमेंट, री अपॉर्चुनमेंट, एब्सॉर्प्शन। याद आएगा, मैं लिख के दूंगा थोड़ी देर के बाद। बट ये स्टेप्स यूज करके टू वी लिंक दी ओवरहेड कॉस्ट टू द आउटपुट, वी लिंक ओवरहेड कॉस्ट टू द आउटपुट, एंड दूसरा ऑब्वियसली टू कंट्रोल दी ओवरहेड कॉस्ट, टू कंट्रोल दी ओवरहेड कॉस्ट। जहां जहां पे हमें लगता है कि ये नॉर्मल से ज्यादा कॉस्ट लग रहा है ऑब्वियसली वी कंट्रोल दैट कॉस्ट, करेक्ट और नॉट, टू कंट्रोल दी ओवरहेड कॉस्ट। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग ओवरहेड कॉस्ट इन डिटेल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग ओवरहेड कॉस्ट इन डिटेल। चलो बच्चों यहां तक लिखे, उसके बाद में एक सिंपल पार्ट लिख के देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड कॉस्ट जनरली चार ग्राउंड्स पे क्लासिफाई होता है, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ओके। तो फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन में जनरली आता है, फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, देन मार्केटिंग ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड्स। सो दिस इज द फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन माय फ्रेंड्स। कौन सा क्लासिफिकेशन है ये, दिस इज द फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ओके, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। देन ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, सबको समझ रहा है नाम देखिए ये, कंट्रोलेबल ओवरहेड्स एंड नॉन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स, कंट्रोलेबल ओवरहेड्स एंड नॉन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स। एंड ओवरहेड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट्स, इलेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, इलेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। एंड वो इलेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है ऑब्वियसली इनडायरेक्ट मटेरियल, देन इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों के टोटल को हम लोग टोटल ओवरहेड्स ऐसे बोलते हैं, इलेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, फंक्शन बेस्ड, नेचर बेस्ड, कंट्रोलेबिलिटी बेस्ड, इलेमेंट बेस्ड। समझा क्या बच्चों, समझा क्या बच्चों, फंक्शन बेस्ड, नेचर बेस्ड, कंट्रोलेबिलिटी बेस्ड एंड इलेमेंट बेस्ड। यस सर, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। यहां तक लिखे क्या बच्चों आप, यहां तक लिखे क्या? एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पे एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओके। सो देर आर
सिक्स स्टेप्स माय फ्रेंड्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। देर आर सिक्स स्टेप्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। पहला है कलेक्शन, आप सबको पता रहेगा ही। चलो बोलो बच्चों स्टेप्स क्या है, चलो बताओ मुझे कमेंट में। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, देन अलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, देन अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, जिसको हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी बोलते हैं, अपॉर्शनमेंट। देन रीअपॉर्शनमेंट, शायद याद रहेगा आपको, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर टू सर्विस कॉस्ट सेंटर, जिसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, लास्ट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, लास्ट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो अब बच्चों ये स्टेप समझने के लिए ना बच्चों हम डायरेक्टली एक एग्जांपल लेंगे। आपको लगेगा कि सर डायरेक्ट एग्जांपल कैसे ले रहे, अभी तक तो ओवरहेड्स का आपने कुछ बताया नहीं। यस, डायरेक्टली एग्जांपल लेंगे, सब कुछ क्लियर होगा बच्चों। और मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिससे बहुत सुपर क्लैरिटी आएगा, एंड आज ही आपको लगेगा हाँ यार मजा आ रहा है। समझ रहा है आपको ये, आज ही आपको लगेगा। देखो बच्चों राइट, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं थियरी के पहले अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल ले रहा हूं। यहाँ पे आपको लगेगा सर ऐसे कैसे चलेगा, चलेगा भाई मैं बोल रहा हूं ना। समझ रहा है कि नहीं आपको? यस, तो आर यू रेडी माय फ्रेंड्स, आर यू रेडी? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यहां तक समझा के बताओ। मैंने आपको बोला कि एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको ये सब बता दूंगा। यस बच्चों, यस, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, बट उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, मजा आएगा आपको यहाँ पे। यस बच्चों, आर यू रेडी? आप मुझे बता दो, आर यू रेडी टू सॉल्व अ क्वेश्चन? यस, आपको इतना तो पता है कि राइट, हम लोग ओवरहेड कॉस्ट पहले प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर पे अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट करते, अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट करते, करेक्ट है? उसके बाद में हम लोग जो कॉस्ट अपॉर्शन्ड टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है, वो सर्विस कॉस्ट सेंटर पे रीअपॉर्शन करते, वो सर्विस कॉस्ट सेंटर पे रीअपॉर्शन करते बच्चों। तो ये रीअपॉर्शनमेंट के क्या मेथड्स होते हैं एंड वो कैसे यूज होते हैं, उसका चार्ट भी मैं आपको बना के दूंगा, बट एक एग्जाम्पल के बाद, एक एग्जाम्पल के बाद। तो अभी डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। आप अगर अगला 1 आवर अगर आप पूरा का पूरा ध्यान दोगे तो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ये ओवरहेड्स में कि बस। लेकिन मुझे 100% अटेंशन चाहिए अभी, नेक्स्ट 1 आवर माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट 1 आवर जितना भी टाइम बचा है, आई नीड 100% अटेंशन ऑफ योर्स माय फ्रेंड्स। ओके, तो फिर मजा आएगा आपको। चलो फिर प्रॉब्लम नंबर 23 बच्चों प्लीज पढ़ लेना, पेज नंबर 8 ऑफ पीडीएफ प्रोवाइडेड टू यू सर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 10-12 मार्क के लिए आते हैं बच्चों। एंड इनफैक्ट मैंने तो आपको यहाँ पे 2 मेथड से सॉल्व करके दिया है, तो ये तो और भी लेंदी कर दिया मैंने जानबूझ के यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ रिवीजन बूस्टर, करेक्ट है? चलो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 23। पीएच लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एबीसी, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है बच्चों एक्स एंड वाई। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट वेजेस, एबीसी ये 3 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर से, एक्स एंड वाई सर्विस कॉस्ट सेंटर से। ओके, फिर फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स ऐसा कुछ दिया हुआ है। यस, एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, एरिया इन स्क्वायर फीट दिया हुआ है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिया हुआ है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया हुआ है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया हुआ है। टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आर एज अंडर। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का जो खर्चा है वो ए बी सी एंड वाई पे जाता है, मतलब एक्स प्रोवाइड्स, एक्स इज सर्विस कॉस्ट सेंटर, इट प्रोवाइड्स द सर्विस टू ए बी सी एंड वाई ऑल्सो, मतलब वन सर्विस डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारा बच्चों जनरेटर रूम एक सर्विस कॉस्ट सेंटर है, स्टीम डिपार्टमेंट सर्विस कॉस्ट सेंटर है, एंड समझो सर्विस कॉस्ट सेंटर में जनरेटर रूम ने प्रोड्यूस किया हुआ पावर यूज हो रहा है, तो ना जनरेटर रूम तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है ना स्टीम डिपार्टमेंट, बट दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू इच अदर।
एंड वाई का जो सर्विस है वो ए बी सी एंड एक्स को जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सी को जो है सर्विस नहीं जा रहा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बट आप मुझे बताओ बच्चों, वेदर एक्स रेंडर्स द सर्विस टू वाई, यस। वेदर वाई रेंडर्स द सर्विस टू एक्स, यस। तो इसका मतलब, इसको हम लोग कॉस्टिंग में बोलते हैं रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। एक्स गिव्स द सर्विस टू वाई, वाई आल्सो गिव्स द सर्विस टू एक्स। मतलब रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, एंड व्हेनेवर रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, एंड दूसरा होता है ट्रायल एंड एरर, जिसको हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। तो यहां पे मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है। कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे बच्चों। तो रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और नॉट प्रोवाइडेड? आंसर इज यस, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, क्योंकि एक्स का कॉस्ट में से 10% वाई को जाने वाला है, एंड वाई के कॉस्ट में से 5% एक्स को आने वाला है। देखो वाई के सामने 5% वो एक्स को डालो बोल रहे हैं, यस और नो। तो चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। वेरियस डिपार्टमेंट पे ओवरहेड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करो बोल रहा है, एंड अ स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। सर्विस डिपार्टमेंट को जो एक्सपेंसेस अपॉर्शन हुए वो री अपॉर्शन करो बोल रहा है, किसको? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे, एंड कैलकुलेट मशीन आवर रेट्स फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एबीसी। और उन्होंने ब्रैकेट में बोला है यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लगे तो लिख दो वहां पे, ट्रायल एंड एरर मेथड कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी। तो दोनों मेथड से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो चलो बोलो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें हम लोग बच्चों। यस प्लीज। तो राइट डाउन बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग, फर्स्ट वर्किंग स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, एंड में तो हमें मशीन आवर रेट ही कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बट जो रीअपॉर्शन करने वाले ना बच्चों हम लोग, उसके लिए दो मेथड्स है। तो पहला यूज करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये मेथड किसके लिए यूज होने वाला है? ऑब्वियसली मेथड फॉर, दिस इज मेथड फॉर रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। मेथड फॉर रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स के लिए ये मेथड यूज होने वाला है बच्चों। मेथड फॉर रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो चलो राइट डाउन माय फ्रेंड्स, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स उसके बाद देखो टोटल ओवरहेड्स। पर्टिकुलर्स के बाद में टोटल ओवरहेड्स, ओके टोटल लिख रहे हो क्या बच्चों? पर्टिकुलर्स टोटल, उसके बाद देखो बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट। बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, चलो बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ऐसे लिख देता हूं। उसके बाद में तीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और दो सर्विस कॉस्ट सेंटर है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स कौन से बच्चों? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एबीसी, ए बी सी। देन सर्विस कॉस्ट सेंटर्स एक्स वाई, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स एक्स वाई,
प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। तो तीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स है, ए बी एंड सी एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। चलो बच्चों ये फॉर्मेट बनाओ, बहुत मजा आने वाला है आपको, डोंट वरी। आपको लगता है नहीं सर आप बहुत ये फास्ट एग्जांपल पे आए, बच्चों मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, आप प्लीज आ जाओ यहां पे अभी। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, ट्रायल एंड एरर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको हम बोलते हैं। ये हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, कैसे ये बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल तो यहां पे आ जाओ। यस, अब उसमें लिखो कैपिटल ए अलोकेशन, लिखो कैपिटल ए अलोकेशन। अलोकेशन मतलब जो कॉस्ट डायरेक्टली डिपार्टमेंट पे अलोकेट कर सकते हैं वन टू वन बेसिस, इट नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अलोकेशन उसमें लिखो डायरेक्ट मटेरियल्स। आपको लग रहा है कि सर डायरेक्ट मटेरियल हाउ इट कैन बी ओवरहेड कॉस्ट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको लगता है कि सर आपने जब क्लियरली ऊपर हेडिंग लिखा है ओवरहेड कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ कैन यू टेक डायरेक्ट मटेरियल, हाउ कैन यू टेक डायरेक्ट मटेरियल। यस, कोई बता सकता है क्या, मुझे बता दो बच्चों। यस, अगर कोई आंसर दे सकता है इसका तो यस। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, हाउ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस कैन कम इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, आप बताओ मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन माय फ्रेंड्स। हाउ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस कैन कम इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, यस बता दो। वेरी गुड सोराली, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी विद योर कमेंट। डायरेक्ट मटेरियल ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर इज इनडायरेक्ट कॉस्ट ओनली फॉर द कंपनी, ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये आएगा निल 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 2000 1000। आप लोग रहा है कि सर फिर ये डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का है वो कहाँ जाएगा, वो तो डायरेक्ट जो आपके कॉस्ट शीट में जाएगा, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट में जाएगा, ओवरहेड में थोड़ी आएगा। यस और नो, एंड डायरेक्ट वेजेस अल्सो, डायरेक्ट वेजेस अल्सो ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर आर दी ओवरहेड कॉस्ट फॉर द कंपनी। तो चलो बोलो बच्चो, डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट मटेरियल में दिस इज 2000 1000, 2000 1000 एंड दिस इज 1000 2000। ऑब्वियसली निल 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 इसका टोटल दिस इज 3000, दिस इज 3000। यहां पे मैं लिख देता हूं गिवन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट है क्या, बता दो बच्चों प्लीज, इसमें कोई डाउट है क्या। अभी टोटल करने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट एंड में टोटल करेंगे। तो चलो ये अलोकेशन हुआ, अब बताओ बच्चों ऐसा बहुत सारा कॉस्ट है जो ओवरहेड कॉस्ट है बट हमने ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर या सर्विस कॉस्ट सेंटर वाइज उसको अभी तक फाइंड नहीं किया है, तो आपको अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो बोलो बच्चों, अलोकेशन में पहला कॉस्ट है, अलोकेशन में लेट से पहला कॉस्ट है फैक्ट्री रेंट। क्या कॉस्ट है, फैक्ट्री रेंट, बोलो फैक्ट्री रेंट कितना है बच्चों, इट्स 4000। तो आप ही बताओ मुझे अभी फैक्ट्री रेंट कैसे अपॉर्शन होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस क्या लगता है आप बताओ बच्चों, मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस फैक्ट्री रेंट। यस बच्चों, आपको दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो मेरे ख्याल से इसका अप्रोप्रिएट बेस लगता है मुझे एरिया इन स्क्वेयर फीट्स, एरिया इन स्क्वेयर फीट्स। तो एरिया इन स्क्वेयर फीट्स का रेशियो है 500:250:500:250:500
500, इसको सिंप्लीफाई किया तो आएगा 2:1:2:1:2। अब नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली डायरेक्टली उसका सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का लिखा तो भी चल सकता है। तो 4000 डिवाइडेड बाय 8 जो भी आए इंटू 2, सो दिस कम्स टू माय फ्रेंड्स 1000 1500 1000 1500 1000। यस, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स या स्क्वायर फीट जो भी कुछ दिया है। फैक्ट्री रेंट समझ आए बच्चों। उसके बाद में है पावर, पावर कॉस्ट 2500। तो आप बोलो पावर कॉस्ट में कैसे अपॉर्शन करूं बच्चों। पावर कॉस्ट, यस पावर कॉस्ट, आप बताओ मुझे। यस बच्चों पावर कॉस्ट आप बताओ मुझे, कमेंट में बता दो, मैं वेट करता हूं। पावर कॉस्ट कैसे अपॉर्शन करें बोलो आप मुझे, जो भी आपका ओपिनियन है बता दो। पावर कॉस्ट जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है वो आपको लेना है। पावर कॉस्ट, यस बच्चों हाउ टू अपॉर्शन पावर कॉस्ट बता सकते हो क्या आप। एचपी दीपाली बोल रही है हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, तो इसका अप्रोप्रिएट बेस है बेटा हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स इनटू मशीन आवर्स। मेरे भाई हॉर्स पावर ऑफ मशीन है तो एक मशीन का है बट एक आर का है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन आवर्स। अब बताओ जिसको हॉर्स पावर ज्यादा है वो कम आवर्स के लिए यूज किया रहेगा, तो अल्टीमेटली राइट वो कम आवर के लिए यूज किया वो भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना आपको इन अपॉर्शनमेंट। यस और नो, यस और नो। तो चलो हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू मशीन आवर्स का रेशियो होगा ऑब्वियसली 50,000, 50,000 तो 50,000 is to 80,000 is to 50,000 is to 15,000 is to 25,000। यस बच्चों तो बताओ दैट इज ये रेशियो, कैन आई टेक इट एज 50:80:50:15:25। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है बट छोड़ दो कोई बात नहीं, इतना भी ठीक है। बोलो बच्चों कितना था ये, 50 + 80 + 50 + 15 + 25 इसका टोटल आता है 50,000 80,000 50,000 80,000 80,000 ही है तीसरा भी, एक्चुअली तीसरा इज ऑल्सो 80,000। यस आप करो प्रोडक्ट करो आपको समझेगा। 80,000 तो इसका टोटल आ रहा है 250, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो दिस कम्स 500 800 800 150 एंड 250, इसका टोटल बराबर 2500 आ जाएगा बच्चों। यस और नो, ये हो गया पावर कॉस्ट, ये हो गया पावर कॉस्ट माय फ्रेंड्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पावर कॉस्ट आ गया। उसके बाद में कौन सा कॉस्ट दिया है बच्चों, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और वो दिया डेप्रिसिएशन 1000 रुपीज, डेप्रिसिएशन 1000 रुपीज है। तो बोलो डेप्रिसिएशन का मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस होगा कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड उसका रेशियो आप बता दो। कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स का 20:40, तो एक काम करता हूं 2:4:2:1:1। यस तो इसका टोटल 10 आ रहा है, तो दिस विल बी 200 400 200 100 100। दिस इज डेप्रिसिएशन माय फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन। उसके बाद में डेप्रिसिएशन के बाद में क्या आ रहा है यहां पे बोलो, अदर ओवरहेड्स। अब आएगा मजा अदर ओवरहेड्स। अब आप लोग रहे सर अदर ओवरहेड्स का क्या अप्रोप्रिएट बेस होगा, समझा क्या, अदर ओवरहेड्स का क्या अप्रोप्रिएट बेस होगा तुम ही बताओ अभी, अदर ओवरहेड्स का क्या अप्रोप्रिएट बेस होगा। अब कोई होता ही नहीं यार अभी, अदर ओवरहेड्स मतलब क्या, या मिसलेनियस ओवरहेड्स बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पलेस है। हम हेल्पलेस क्यों बनेंगे भाई, जब हमारे पास एजम्पशन बनाने का स्कोप है। तो जनरली जब आपको कुछ दिया ही नहीं है, अदर ओवरहेड्स अपॉर्शन ऑन द बेस ऑफ दिस कुछ दिया ही नहीं है, तो जनरली दोज आर अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स
और डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस ऐसा उसका रेशियो ले लेता हूं मैं हम लोग, है ओके। एंड इसका नोट लिखना है, या ये भी याद करो हम एंड में नोट लिखेंगे, तो नोट नंबर वन ऐसे लिखो, हम एंड याद लास्ट में मुझे याद दिलाना, राइट, हमें नोट लिखना है इसका। तो डायरेक्ट वेजेस का क्या रेशियो है बच्चों, तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो 5:2:8:1:2, एंड ये अदर ओवरहेड्स थे, कितने थे अदर ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स वेयर 9,000, अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 7 + 8 = 15, 18 हो रहा है, तो ये 9,000 डिवाइड बाय 18 इनटू 5, तो ये 9,000 डिवाइडेड बाय 18, 500 इनटू 2, टेल मी इज इट 2,500, 1,000, 4,000, 500 एंड 1,000, 500 एंड 1,000, दीज आर अदर ओवरहेड्स, तो ये 9,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, 9,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये अलोकेशन, अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट हो चुका है। तो अभी मैं यहां पे लिख देता हूं, टोटल ओवरहेड्स अलोकेटेड एंड अपॉर्शनड, टोटल ओवरहेड्स अलोकेटेड एंड अपॉर्शन, इसको तुम चाहो तो टोटल ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी बोल सकते हो, तो टेल मी इज इट 3,000 + 3,000, ओके, +4,000 + 2,500 +1,000 + 9,000, दिस टोटल इज 22,500, 22,500, एंड चेक करो अब टोटल डिपार्टमेंट वाइज, 1,000 + 500 + 200 + 2,500, वेदर दिस टोटल इज 4,200, देन 500 + 800 + 2,700, ये टोटल करेक्ट है क्या चेक करो, 1,800 + 4,200, वेदर दिस टोटल इज 6,000, देन 3,000 + 500 + 150 + 600, वेदर दिस टोटल इज 4,250 माय फ्रेंड्स, देन 3,000 + 1,250 + 1,100, वेदर दिस टोटल इज 5,350, तो 5,350 + 4,250 + 6,000 + 2,700 + 4,200, यस 22,500, यहां तक टोटल करेक्ट है बच्चों, एंड वी कैन से दिस इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज ओवर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसका नोट लिखना है बच्चों हमें, और एंड में आप मुझे याद दिला देना, एंड में हम नोट लिखेंगे इसका, सो दिस इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन माय फ्रेंड्स, एंड ये टोटल आ चुका है अभी, ये टोटल आ चुका है ई तक, ओके। एंड अब लिख देना यहां पे ई तक, यहां तक, यहां तक पहले आ गए क्या आप सब लोग, बता दो बच्चों प्लीज मुझे, यहां तक सब लोग आ गए क्या एक बार कंफर्म कर दो, टोटल वगैरह सब आपने लिख दिया क्या कमेंट में मुझे कंफर्म कर दो, फिर हम आगे जाएंगे। यस बच्चों, यस 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 यस, आप बता दो, यस यस यस, बता दो बच्चों, ओके यस सर। अब हम यहां पे लिखेंगे बच्चों सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम लिख सकते हैं रीअपॉर्शनमेंट। अच्छा, ये रीअपॉर्शनमेंट हम कौन से मेथड से करने वाले, तो ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करने वाले, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करने वाले। तो अब एक काम करेंगे, चलो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स कितने आए थे बच्चों, 4,250, तो ये 4,250 यहां पे मैं निगेटिव कर देता हूं, एंड सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स हम अपॉर्शन कर देते हैं अभी यहां पे, किस रेशियो में अपॉर्शन करेंगे, क्वेश्चन में दिया था उन्होंने बच्चों हमें क्या रेशियो दिया था बोलो, 45:15:30:10, आप लोग रहे सर बीच में नील क्यों नहीं लिखा, अरे वो तो एक्स है ना मेरे भाई, तो 4,250 × 45%, टेल मी इज इट 1,912.50, तो चलो मैं अप्रोक्सीमेटली 1,913 कर देता हूँ, 4,250 × 15%, टेल मी इज इट 637.50, चलो मैं अप्रोक्सीमेटली 637 कर देता हूँ, 4,250 का 30%, टेल मी इज इट 1,275, 1,275, एंड दिस इज 4,25। अच्छा, इस रो का टोटल करोगे बच्चों तो ऑब्वियसली ये 4,250 यहां से निकल गया, एंड बचे हुए चार डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गया, इस रो का टोटल करेंगे तो नील आएगा ऑब्वियसली,
करेक्ट है? तो 425 प्लस 1275 प्लस 637 प्लस 1913 अगर आप करोगे तो 4250 ये टोटल टैली होगा। अच्छा अब अगर मैं सारे टोटल करूंगा बच्चों तो एक्स का टोटल नील आएगा, डू यू एग्री? हाँ या ना बोलो मुझे, एक्स का टोटल नहीं आएगा। अभी अगर मैंने रिवाइज टोटल कर दिया तो 4250 माइनस 4250 तो नहीं आएगा, बट वाई का टोटल नहीं आएगा क्या? वाई का टोटल नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, करेक्ट है? तो मुझे एक्स एंड वाई दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा एबीसी पे डालना है, करेक्ट है? तो अभी काम करेंगे, चलो फिर सर्विस डिपार्टमेंट वाई का रीअपॉर्चनमेंट कर देते हैं। अब आपको लगता होगा कि हाँ सर अभी एक्स तो नील हो गया, वाई भी नील हो जाएगा। अब देखो कॉम्प्लिकेशंस, अब मुझे बताओ वाई का खर्चा कितना है? 5350 है क्या? नहीं, पहला एक्सीडेंटल जोन। सुनो स्टूडेंट को लगता है कि सर नेगेटिव 5350 लिखेगा, नहीं, 5350 प्लस 425 वहां पे ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे नेगेटिव 5775 करना पड़ेगा, नेगेटिव 5775 करना पड़ेगा। यस, एंड अब सुनो वाई का खर्चा कैसे डिवाइड होने वाला है बोलो? 60:35 इज टू निल इज टू 5, तो 5775 इंटू 0.60, 60%, टेल मी इज इट 3465? 3465 उसका 35%, टेल मी 35% कितना है? 1212.75, तो चलो 1213 कर देता हूँ, 1213 यहाँ पे निल, ओके। एंड 5775 का 5% कितना है बच्चो? इट इज 5775 का 5%, इट इज 288.75, तो चलो 289 कर देता हूं इसको मैं, फाइव सेवन सेवन फाइव का 60%, ओके 3465 था, 5775 का 35%, 2021 था, 35%। अच्छा, यहां पे मिस्टेक किया कैलकुलेशन। यस क्या है बच्चों? 5775 का 35%, 2021.25 है, तो चलो मैं 2021 ले लेता हूँ। एंड 5775 का 5%, इट इज 288.75, तो चलो इसको मैं 289 कर देता हूँ, 289 कर दिया बच्चों। अब बताओ अभी मैं टोटल लूंगा तो एक्स एंड वाई एट अ टाइम नील आएगा क्या? नहीं आएगा। अब एक्स नील नहीं आएगा बट वाई का टोटल नील आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट वाई का टोटल नहीं आएगा बट एक्स का नहीं आएगा। डू यू एग्री और नॉट? आप मुझे प्लीज बता दो बच्चों। यस, एक्स को अपॉर्शन किया था हमने, एक्स का टोटल नहीं आ रहा था बट वाई का उस वक्त नील नहीं आ रहा था, तो वाई का जो 5775 ओवर एक्स अपॉर्शन थे प्लस री अपॉर्शन, इसका टोटल जीरो करने की कोशिश की बट अब एक्स का टोटल 289 आ रहा है। यस, तो क्या करेंगे? तो अब हम सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का रीअपॉर्चनमेंट वापस करते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या नाम है इस मेथड का? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चलो बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का रीअपॉर्चनमेंट कर दो अभी, 289 जिसका टोटल है, तो मैं यहां पे सबसे पहले तो निगेटिव 289 कर देता हूं, सबसे पहले तो निगेटिव 289 कर दिया मैंने उधर। यस और नो? तो चलो बोलो बच्चों, अब निगेटिव 289 कर ही दिया है हमने, तो 289 को डिवाइड कर दो आप कौन से रेशियो में? चलो बोलो एक्स वाला रेशियो क्या था बताओ, एक्स वाला रेशियो क्या था? 45:15:30:10, तो बोलो 289 का 45% इज इट 130.05 है, तो चलो 130 कर देता हूँ, 289 का 15% 43.35 है, तो चलो 43 कर देता हूँ, 289 का 30% 86.7, तो चलो 87 कर देता हूँ, करेक्ट है? एंड 289 का 10% तो दिस 29 कर देता हूँ, तो चेक करो एक बार, 29 प्लस 87 प्लस 43 प्लस 130 का टोटल 289 है। अब अगर मैं टोटल करूंगा ना बच्चों तो एक्स का टोटल जो है वो नील आएगा बट वाई का नहीं आएगा, क्योंकि वाई का टोटल 29 आएगा। ठीक है भाई, फिर अभी वाई को रीअपॉर्शन कर देते हैं। आपको लग रहा है सर कब तक चलेगा ये तो जिंदगी भर चल सकता है, देखते सर्विस डिपार्टमेंट वाई कैसे रीअपॉर्शन करना है बोलो। 60:35:0.5, तो 29 का 60%, 29 का 60% 17.4 है, तो चलो 17 ले लेता हूँ मैं, 29 का 35% 10.15 है, तो चलो 10 कर रहा हूं यहाँ पे मैं, करेक्ट है? अब बताओ यहाँ पे निल एंड 29 का 5% 1.45 है, चलो मैं राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेता हूं,
29 आया। अब मैं एक्स का टोटल करूंगा तो 2 रुपए आएगा, वाई का टोटल नहीं आएगा। तो चलो फिर अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को रीअपॉर्शन कर देते। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का क्या रेशियो है, 60:35:0:5। आप बताओ बच्चों, 2 रुपए को डिवाइड करना है आपको, 2 रुपए को करेंगे 2 रुपए को डिवाइड ऐसे इस रेशियो में। तो एक काम करो, चलो ये दोनों को 1-1 रुपए दे दो, कहानी खत्म कर दो। आपको लग रहा है कि नहीं सर आपने वो रेशियो यूज नहीं किया है, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी भी एक होता है ना मेरे भाई। अगर ऐसा करेंगे तो 2 रुपए में से ना बच्चों कुछ पोर्शन वाई में भी जाएगा, कुछ पैसे वो पैसे डिवाइड करो तो एक्स में आएगा, एक्स में से वाई में जाएगा। यही करते बैठे क्या जिंदगी भर, नहीं। तो आपको ये कब रुकवाना है प्रोसीजर, जब एक 5-10 रुपए का नॉमिनल अमाउंट आ रहा है अब जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना आने के बाद रुक दो। यस और नो, रोक दो ये प्रोसीजर एंड उसके बाद में आप टोटल कर देना बच्चों। एंड अगर उसके बाद में आप टोटल कर दिए बच्चों तो ये दोनों टोटल तो पक्का नील आएंगे एंड बचे हुए तीनों का टोटल ही 22,500 आना चाहिए। बचे हुए तीनों का टोटल ही 22,500 आना चाहिए। तो हमने रीअपॉर्शनमेंट कौन से मेथड से किया बच्चों, यहां पे रीअपॉर्शनमेंट कौन से मेथड से किया मेरे भाई, कौन से मेथड से किया था, ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो करो टोटल 1913+3465+130+17+5526 ऐसे कुछ आ रहा है, 5526 सही है, सही है गलत, 5526 था आपने कहां से लिया था टोटल, 1913 से चालू किया था। कहां से ये टोटल लेना चालू करना था आपको, तो ये टोटल लेना चालू करना था आपको ऊपर के 4200 से। तो 4200 प्लस 1913 प्लस 3465 प्लस 130 प्लस 17 प्लस 1, तो दिस इज 9726 माय फ्रेंड्स। देन 2700 प्लस 637 प्लस 2021 प्लस 43 प्लस 10 प्लस 1, तो ये टोटल आ रहा है 5412 एंड दिस इज 6000 प्लस 1275 प्लस 87। टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर दिस टोटल इज 7362 प्लस 5412 प्लस 9726, तीनों का टोटल 22500 है। एक्स एंड वाई का टोटल करके देखो वो नील आएगा बच्चों। एंड अगर इतना हो चुका है तो अब मशीन आर्स लिखो एंड यू कैन गेट मशीन आर रेट या ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आर। तो मशीन आर्स थे 1000 2000 एंड 4000। तो अब बताओ बच्चों जी डिवाइडेड बाय एच आपको क्या मिलेगा, जी डिवाइडेड बाय एच आपको मिलेगा मशीन आर रेट या उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आर। जी डिवाइडेड बाय एच ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आर। तो टेल मी इज इट 9 पॉइंट, वेदर आंसर इज 9.726 5412 डिवाइड बाय 2000 इज इट 2.706 एंड 7362 डिवाइडेड बाय 4000। टेल मी इज इट 7362 डिवाइडेड बाय 4000 इज इट 1.8405, इज इट 1.8405। यस बच्चों मशीन आवर रेट या इसको हम बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आवर, ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आर। बताओ बच्चों ये हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, कौन से मेथड से सॉल्व किया, वी हैव सॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मैं वापस बता दूं, बूस्टर रिवीजन है, मैं डायरेक्ट जो सबसे सिलेबस का मेन पार्ट है उसमें हाथ डाल दिया अभी यहां पे, समझा क्या। यस सोराली मौसम प्रीति सबको समझ रहा है कि बता दो बच्चों, इज इट ओवर माय फ्रेंड्स। चलो अब यही रीअपॉर्चुनमेंट बच्चों अपने को और एक बार करना था, बाय विच मेथड,
राइट, हमने अभी यहां तक भी जो वर्किंग किया था उसको हमने क्या नाम दिया था, देखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, फर्स्ट वर्किंग था हमारा ये। अब सेकंड वर्किंग में क्या लिखो आप बताओ, यही करना है हमें वापस, बट कौन से मेथड से, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। तो राइट डाउन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, ब्रैकेट में लिखो मेथड फॉर रीअपॉर्शनमेंट, मेथड फॉर रीअपॉर्शनमेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। नोट लिखेंगे ना बेटा, एकदम एनुअल लिखेंगे नोट। यस बेटा दर्शन, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब हम नोट लिखेंगे, ठीक है? तो राइट डाउन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स टोटल ओवरहेड्स, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स या प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स है एबीसी, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स एक्स एंड वाई, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एबीसी, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स एक्स एंड वाई। ओके, अब आप लोग रहे कि सर वो पूरा वापस करेंगे क्या फिर, वो मटेरियल लेबर हॉर्स पावर एंड एरिया एंड एवरीथिंग? बिल्कुल नहीं, हम लोग यहां पे लिख देते हैं ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो थे 22,500 टोटल, यहां पे मैं लिख देता हूं रेफर वर्किंग वन, ऊपर का जो वर्किंग है वो रेफर करो हम बोल रहे हैं। एंड क्या थे ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें आए थे, बताओ बच्चों, ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने कैलकुलेट किया था वो क्या था, बोलो। टोटल लिया था ना हमने, हाँ 4,200, 2,700, 4,200, 2,700, 2,700, उसके बाद 4,200 हो गए, 2,700, 6,4250, 6,000, देन 4,250, 4,250 एंड लास्ट क्या था, 5,350 था ना, 5,350। दीज वेयर ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन माय फ्रेंड्स, दीज आर ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड क्या क्या था इसके आगे का, हमने जो रीअपॉर्शनमेंट किया था ना बच्चों, रीअपॉर्शनमेंट वो हमने किया था प्रीवियस इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से। ओके, अब हम करने वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से, करेक्ट है? वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से कैसे करते हैं उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो ये टेबल के नीचे एक, अब एक काम करो उसके एक सात आठ लाइन ब्लैंक छोड़ दो एंड एक वर्किंग नोट बनाते हैं, सात आठ या आठ दस लाइन ब्लैंक छोड़ दो एंड एक वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चों, एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ओके, ध्यान दे रहे हो क्या? क्या वर्किंग नोट बनाएंगे, लेट एक्स बी ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स कितने, 4,250 है। बोला सर फिर एक्स करने क्या जरूरत है, वो तो 4,250 है, बट बच्चों वाई से भी एक्स में कुछ आने वाला है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग शेयर ऑफ ओवरहेड्स टू बी रीअपॉर्शनड फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट
वाई टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, मतलब क्या है एक्स में, 4250 प्लस वाई से जो पोर्शन एक्स में आने वाला था वो भी है। नेक्स्ट, लेट वाई बी ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग शेयर ऑफ ओवरहेड्स टू बी रीअपोर्शन्ड, इंक्लूडिंग शेयर ऑफ ओवरहेड्स टू बी रीअपोर्शन्ड फ्रॉम फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट एक्स टू सर्विस डिपार्टमेंट वाई। समझ रहे हैं बच्चों? ओके। अब दो इक्वेशन बनने वाले, वो सुपर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप मुझे बताओ एक्स क्या थे, एक्स क्या थे, ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो कितना था 4250 प्लस वाई का कितना परसेंट, वाई के एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट एक्स में आने वाला है, आप मुझे कमेंट में बता दो प्लीज, उसके बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। वाई का कितना परसेंट एक्स को रीअपोर्शन होने वाला है, बोलो आप मुझे, वाई का कितना परसेंट एक्स को रीअपोर्शनमेंट होने वाला है। यस बोलो बच्चों, वाई का कितना परसेंट एक्स को रीअपोर्शनमेंट होने वाला है, बोलो 5% या 10%, बोलो 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 कमेंट में बोलो आप मुझे। यस मौसम बताओ भाई, सोराली, प्रीति बोलो जल्दी, दर्शन, वेरी गुड, चेतन का आंसर आया 5%। तो देखो बच्चों वाई के सामने देखना पड़ेगा, वाई का 5% एक्स को आता है, तो प्लस 0.05 वाई, वाई का 5% मतलब 0.05। एंड अब बताओ वाई जो है दिस इंक्लूड्स 5350 प्लस एक्स में से कितना परसेंट वाई को जाने वाला है, एक्स का कितना परसेंट वाई को जाने वाला है, एक्स का कितना परसेंट वाई में आता है, तो एक्स का 10% वाई में आता है, तो इट इज 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स, यस और नो। तो आप बताओ अगर ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, कैन यू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली, लेट अस सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैन यू ई गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो तो पहले ये वर्किंग नोट फिनिश कर देते बच्चों, ऊपर के टेबल के लिए 2 मिनट भूल जाओ। लेट अस सॉल्व इक्वेशंस वन एंड टू साइमल्टेनियसली, चलेगा? ओके, वी विल पुट, ओके वी पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन। तो चलो इक्वेशन वन में ना बच्चों हम वैल्यू ऑफ वाई पुट कर देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 4250 प्लस 0.05 इंटू वाई, एंड वाई की जगह मैं लिखता हूं 5350 प्लस 0.10 एक्स। तो एज गुड एज वी आर सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, एक इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन पुट करना मतलब क्या यार, एज गुड एज वी आर सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, तो एक्स इज इक्वल टू 4250 प्लस 5350 इंटू 0.05, ये आता है 267.50 प्लस 0.05 इंटू 0.10, 0.005 एक्स। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, 1 माइनस 0.005 इज इट 0.995 एक्स इज इक्वल टू 4250 प्लस 267.50, टेल मी इज इट 4517.50 डिवाइडेड बाय 0.995, वेदर आंसर इज 4540, वेदर एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 4540, एक्स का वैल्यू आ चुका है बच्चों 4540, एक्स का वैल्यू आ चुका है। ओके, लेट अस पुट वैल्यू ऑफ, आप नीचे लिखो मैं इधर लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू। तो बोलो बच्चों इक्वेशन टू में वाई इज इक्वल टू, इज इट 5350 प्लस 0.10 इंटू एक्स का वैल्यू है 4540, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू 454 प्लस 5350, आंसर इज 5804, वाई का वैल्यू इज 5804।
5804, तो x का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू मिल चुका है बच्चों। ये वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ क्या आप मुझे बता दो प्लीज, ये वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ क्या इतना बता दो बच्चों मुझे प्लीज। x का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू मिल चुका है, x इज 4540, y इज 5804, y इज 5804, ये कंप्लीट किए क्या? ये कंप्लीट करने के बाद आप मुझे एक बार कमेंट में डन बोल के बोल दो ताकि आई कैन गो अहेड माय फ्रेंड्स। यस, ये होने के बाद एक बार डन बोल देना। चेतन, दर्शन, स्वराली, जो भी है, जो भी बहुत सारे लोग ये जो देख रहे हैं दोनों तीनों चैनल पे, ये जो जा रहा है विनोद रेड्डी चैनल पे कुछ लोग है, वीस्मार्ट चैनल पे कुछ लोग है, जो भी चैनल पे है, जहां से भी है, आप बताओ मुझे, डन करके बोल दो यहां पे होने के बाद में। ओके बच्चों, तो एक्स का वैल्यू है 4540 एंड वाई का वैल्यू है 5804। एक्स का वैल्यू है 4540, वाई का वैल्यू है 5804, करेक्ट है बच्चों? चलो अब एक काम करो, ऊपर जाओ मेन आंसर में। आप बताओ बच्चों, हमें री अपॉर्शनमेंट करना था, याद है क्या आपको? री अपॉर्शनमेंट करना था, तो अब यहां पे मैं री अपॉर्शनमेंट इतना हेडिंग तो लिख ही दे देता हूं, री अपॉर्शनमेंट माय फ्रेंड्स, री अपॉर्शनमेंट। एंड आप बताओ, री अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई, तो आप बताओ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट वाई का री अपॉर्शनमेंट। आपको लग रहा है सर एक्स पहले करेंगे वाई, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक्स का वैल्यू क्या आया था बच्चों? 4540, तो यहां पे जाके लिख देने का 4540। अब आपको लग रहा है कि सर उधर कॉस्ट ही 4250 है, आप 4540 डिडक्ट करके क्या निगेटिव करोगे क्या उसको? वेट करो, एंड वाई का वैल्यू था 5804, तो वाई में जाके वो कर देना 5804 निगेटिव। एंड अब बताओ एक्स का री अपॉर्शनमेंट किस रेशियो में होने वाला था? 45:15:30:10। तो चलो 4540 का 45%, टेल मी वेदर इट इज 2043, इज इट 2043? देन 4540 का 15%, टेल मी इज इट 681? 4540 का 30%, इज इट 1362? एंड 4540 का 10% इज 454। शायद आपको समझा होगा बच्चों, अभी ये ऑलरेडी 5350 था, देखो प्लीज, एंड इधर 484 आया, ये दोनों मिलके अभी 5804 रहेगा एंड वो एट अ टाइम निल हो जाएगा, यस और नो? एंड जब आप वाई का री अपॉर्शनमेंट करेंगे 60:35:nil:5, तो 5804 का 60%, टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 3482? 3482, देन 5804 का 35%, टेल मी इज इट 2031? 2031, दिस इज जीरो हियर, एंड 5804 का 5%, 5804 का 5%, इज इट 290 अप्रोक्सीमेटली? इज इट 290? करेक्ट है बच्चों? तो एक काम कर देता हूं यहां पे, ये टोटल मैच करने के लिए, राइट, 1 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो यहां पे मैं 2032 कर देता हूं, जस्ट कोई कहीं पे भी 1 रुपए ने मैंने बढ़ा दिया बच्चों, 2032 कर दिया यहां पे, 2032 कर दिया। चलो बच्चों मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट है क्या? एंड सबको समझा है क्या? बता दो आप। एंड अब अगर आप एक्स एंड वाई का टोटल एट अ टाइम करोगे, दोनों एट अ टाइम जीरो हो जाएगा बच्चों, आप चेक करो। चलो एक्स का टोटल बताओ कितना है? एक्स का 4250 माइनस 4540 प्लस 290, टेल मी वेदर दिस टोटल इज निल, एंड टेल मी इज इट 5350 प्लस 454 माइनस 5804, वेदर दिस इज ऑल्सो निल, वेदर दिस इज ऑल्सो निल माई फ्रेंड्स, यस और नो? तो करो फिर, अभी ये टोटल 4200 प्लस 2043 प्लस 3482, टेल मी इज इट 9725? 9725, 2700 प्लस 681 प्लस 2032, टेल मी इज इट 5413? एक आध 2 रुपए का राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है, 6000 प्लस 1362,
टेल मी इज इट 7362? आप लोग नहीं सर 9725 नहीं 9724 आया मेरा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, या 9726 आया प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। एंड ये 9725 प्लस 5413 प्लस 7362, ये टोटल तीनों का 22500 आया कि नहीं बताओ, ये टोटल तो ऑब्वियसली नील रहता है, बस खत्म। मशीन आवर्स से डिवाइड कर दो बच्चों, मशीन आवर्स से कितने थे मशीन आवर्स? 1000, 2000, 4000, एंड आप कैलकुलेट करो बी डिवाइडेड बाय सी, आपको मिल जाएगा मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट दैट इज बी डिवाइडेड बाय सी, या इसी को हम बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आर, ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आर। ओवरहेड रिकवरी रेट पर मशीन आर, तो चेक करो बच्चों ये क्वेश्चन करेक्ट है क्या। यस दर्शन बोल रहा है डन डना डन डन, यस बच्चों मशीन आर रेट 9.725, 2.7065 एंड 1.8405, यहां तक क्लैरिटी है क्या बच्चों बता दो प्लीज, यहां तक समझा क्या? यस माय फ्रेंड्स, क्लैरिटी है? यस ओके। एक नोट लिख देना लास्ट में, एक नोट एकदम एंड में, ये सब वर्किंग के एंड में लिख देना नोट, नोट लिख रहे हो क्या मेरे भाई? नोट प्लीज लिख देना बच्चों। इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लिखो इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिख रहे हो क्या मेरे भाई? इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी हैव अपॉर्शनड अदर ओवरहेड्स, वी हैव अपॉर्शनड अदर ओवरहेड्स, वी हैव अपॉर्शनड अदर ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, वी हैव अपॉर्शनड अदर ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, वी हैव अपॉर्शनड अदर ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लिखा बच्चों यहां तक? वी हैव अपॉर्शनड अदर ओवरहेड्स इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यस। तो हमने ये रीअपॉर्शनमेंट कंप्लीट किया बच्चों। अब आप लोग सर इसमें कौन से मेथड से वो बताओ, तो एक चार्ट बनाओ, इससे सब क्लैरिटी आएगा। मेथड्स फॉर रीअपॉर्शनमेंट, मेथड्स फॉर रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। मेथड्स फॉर रीअपॉर्शनमेंट में हम उसी को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ओके बच्चों, मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट में ओके सबसे पहले तो दो पार्ट में डिस्कशन डिवाइड किया जाता है। पहला, नो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, नो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स अ सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। फिर सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, तो उस केस में सर्विस डिपार्टमेंट को उठा, उनका खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे डाल दो डायरेक्टली, करेक्ट है? तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये तो बहुत ही सिंपल हुआ यार, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता ही नहीं, तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सीधा सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे रीअपॉर्शन होगा। बट प्रॉब्लम कब कॉम्प्लिकेट हो जाता है? व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स सर्विसेस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोवाइड द सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। बट इस डिस्कशन को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और वो उसमें से पहला पार्ट है, सुनो ध्यान से, उसमें से पहला पार्ट है ओके।
रेसिप्रोकल सर्विसेस आर नॉट प्रोवाइडेड, रेसिप्रोकल सर्विसेस आर नॉट प्रोवाइडेड। इसका मतलब हुआ इफ एस वन गिव द सर्विस टू एस टू, एस टू डजेंट गिव द सर्विस टू एस वन। इफ एस टू गिव द सर्विस टू एस थ्री, एस थ्री डजेंट गिव बैक द सर्विस टू एस टू। मतलब सिर्फ वन वे पाथ कंप्लीट होता है। अगर एस वन ने एस टू को सर्विस दिया तो एस टू वापस एस वन को कोई सर्विस नहीं देता है। मतलब रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। एंड अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो जो मेथड हम यूज करते उसको बोलते स्टेप लैडर मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप लैडर मेथड। तो व्हेन स्टेप लैडर मेथड इज यूज्ड, व्हेन रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। तो अगले लेक्चर में बच्चों मैं पहला क्वेश्चन ही स्टेप लैडर मेथड पे लूंगा। समझा? स्टेप लैडर मेथड पे, वेयर रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। एंड व्हेन रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, व्हेन रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जैसे कि हमने अभी जो ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व किया था वो, अगर आपको याद है, एक्स वाज गिविंग द सर्विस टू वाई, वाई वाज आल्सो गिविंग द सर्विस टू एक्स। तो उस केस में जो मेथड है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ऑब्वियसली जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एंड दूसरा है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो उसमें से आज जो हमने प्रैक्टिकल कंप्लीट किया था बच्चों वो ये पार्ट था, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, उसके अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड दैट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड। कौन सा मेथड? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड माय फ्रेंड्स। समझा? ये कॉपी करके ले लो बच्चों, एंड इसको और डेप्थ में लेके जाएंगे हम लोग अगले लेक्चर में। इसको और डेप्थ में जाएंगे अगले लेक्चर में। यहां तक सबको समझा है क्या बच्चों? प्लीज मुझे अच्छे से बता दो। ऑब्वियसली चेतन बोल रहा है सर स्टेप लैडर मेथड क्या होता है, ये स्टेप लैडर मेथड क्या होता है वो अगले लेक्चर में देखेंगे बेटा। अभी जो हमने सॉल्व किया था ट्रायल एंड एरर मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, बिकॉज बिकॉज यस बिकॉज रेसिप्रोकल सर्विसेज वेयर प्रोवाइडेड। यस मौसम कोई प्रॉब्लम नहीं, जब पुणे में आओगे तब मिल लेना भाई, नो प्रॉब्लम एज सच। यस तो ये जो चार्ट मैंने अभी आपको बनाया है आपके सामने, ये आपने कॉपी किया क्या मुझे एक बार कमेंट में बता दो बच्चों, ताकि वी कैन स्टॉप एटलीस्ट इन टूडेज लेक्चर। यस माय फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड। यस मेरे भाई कोई डाउट है क्या? तो ये है पूरा डिस्कशन, मेथड्स फॉर रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स का डिस्कशन, मेथड्स फॉर रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स एवरीवन? तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी बूस्टर रिवीजन लेक्चर नंबर 10 माय फ्रेंड्स। सी यू सून, गुड बाय माय फ्रेंड्स।